आपकी क्या राय है कोई कभी कोई टेंजेबल इंटरेस्ट था सोवियत यूनियन का कि हम पाकिस्तान फतेह करेंगे नहीं फतह ये कब की बात कर रहे हैं कभी भी, कभी भी, भी, <laughs> भी। नहीं आई डोंट थिंक सोवियत यूनियन का ऐसे आई एम श्योर सोवियत यूनियन का इंटरेस्ट इसमें मेहत था कि पाकिस्तान के साथ उनका एक ज्यादा रिश्ता हो जैसे हिंदुस्तान में दे हैड नॉट टेकन इट ओवर नेहरू का एक लेकिन सोवियत यूनियन के साथ अच्छा रिश्ता था वालेकुम बहुत ज़्यादा एज़ाज़ की बात है मैंने लाल शर्ट पहन ली है शरारत करके छोटी सी क्योंकि पूरे लेफ़्ट के उस्ताद कहना है इनको गलत बात नहीं होगी इस आ, किताब के कवर में आप देखें इसी वजह से अक्सर लोग कह रहे हैं कि शायद कामरान साहब ये हैं इस कवर पे क्योंकि लेफ़्ट में जो भी है वो इनको साथ ही मानता है कामरान अजहर अली हमारे साथ हैं एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्स में पहले डिपार्टमेंट ऑफ तो साउथ एशिया के हेड थे कई किताबें लेफ्ट पर लिख चुके हैं सुर्ख सलाम इज़ द सेमिनल बुक ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लेफ्ट इन पाकिस्तान फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं सर आप बहुत शुक्रिया और ये बहुत एजाज़ लिया आपने लेकिन ये सब ना कहिए कि हेडें बहुत लोगों की दिल आज़ारी होगी लिहाजा हाँ हम लिखत पढ़त में हैं और बएँ बाज़ों पर लिखते हैं ये काफ़ी है सर आपकी नई किताब अनफॉर्चुनेटली uh, ट्रैवल कर रहा था पूरी पढ़ने का तो मुझे वक्त नहीं मिला लेकिन आपका ऐसे मैंने बड़े शौक से पढ़ा प्रेफ्रेस भी पढ़ा तो उस फ़िलासफ़ी uh, की तरफ ही चलते हैं विद समथिंग आई एम आल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन अगर मैं थोड़ी अपनी बात भी कर लूँ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस हमने खोला इसीलिए था ये जो पॉडकास्ट है कि अक्सर पाकिस्तान का जब नाम आता है हमें एक आइडिया मिलता है कि एक ही पाकिस्तान है जो स्टेट सेंक्शन नरेटिव है हमारे uh, एक दोस्त हैं अदील अफज़ल वो कहते हैं हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको हमने कल्चरल डे पे रखा हुआ है कि ठीक है स्कूल असेंबली में एक नाचता वसंदी आ जाएगा एक अजरक पहन के नाचेगा बलूच mm -hmm. नाचेगा उससे आगे हम Good. इनको इंसान नहीं समझते तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो क्यों ज़रूरी है पीपल्स हिस्ट्री और आपने एज़ ऑलवेज़ योर हम्बल मैन आपने हार्वर्ड जिन की तरह पीपल्स हिस्ट्री नहीं कहा आपने कहा टूवर्ड्स अ पीपल्स हिस्ट्री तो ये फिलॉसफी ज़रा हमें भी समझाएं जी नहीं बहुत शुक्रिया शहजाद आपका और ये किताब जो है जैसे आप जानते हैं इट्स एन एडिटेड वॉल्यूम, और मेरे दोस्त हैं और वो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं असद अली जो आजकल कल बरतानिया में होते हैं उनके साथ दोनों ने मिलके हम दोनों की काविश है और पीपल्स हिस्ट्रीज़ हाँ और टूवर्ड्स भी है दोनों सारी चीज़ें ये आपके का अच्छा आपने वो अंदाज़ा लगाया तो वो यही बात थी कि हमारे यहाँ जो है वो तारीख जो लिखी जाती है वो न, जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं नेशन स्टेट की लिखी जाती है और जो है ना ख़ास तौर पर सदी से जो बेशतर तारीख लिखी जा रही है कहीं की भी वो कौम और कौमियत की लिखी जा रही है कि हम एक कौम हैं और एक नेशन स्टेट है और उसके बुनियाद पे तारीख होती है और कुछ लोगों की ये आ, कुछ स्कॉलर्स ने ये पिछले दो तीन दिहाई में उससे पहले से ये बात शुरू की कि ये जो है जो नेशन स्टेट की हिस्ट्री होती है उससे हम निकल भी नहीं सकते क्योंकि जाहिर सी बात है हम उसी जो है वो ढांचे में जुड़े हुए हैं लेकिन जो है ये एक्सक्लूजनरी भी होती है ये बहुत सारी तारीख को बहुत सारी एक्सपीरियंस को तजुर्बात को लोगों को और उनकी जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको जो है वो इस तारीख का हिस्सा नहीं बनने देती तो आपने हावड जिन का जिक्र किया और हावड जिन का भी यही जो उस्ताद थे और बहुत उन्होंने पीपल्स हिस्ट्री ऑफ़ यूनाइटेड स्टेट्स लिखी थी उनका भी यही था कि जब से यूरोपियन आए अमेरिका में वो और 1492 का जो एक पिविटल डेट है उससे लेकर आज तक अमेरिका की तारीख में बहुत सारे ऐसे लोगों को एक्सक्लूड किया, किया चाहे वो नेटिव अमेरिकन हों चाहे वो ब्लैक्स हों चाहे वो औरतें हों चाहे वो और किस्म की उनकी जिनसीत हो या जिनसीत इन देंस ऑफ एथनीसिटी यानी कि नेशनलिटीज़ या उनकी कौमियत हो इवन इवन इन टर्म्स ऑफ ऑफ एंड देन कोर्स मैं कह रहा हूँ दोनों तरह से हाँ तो आ, लेकिन उनका भी जो एक तस्वुर था वो एक यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि एक नेशन स्टेट के हवाले से था और ये हमने बहुत हालांकि हम उनसे इंस्पायर्ड हैं हावर जिन के काम से इंस्पायर्ड हैं असद और हम लेकिन हम आ, लेकिन वो भी एक यूनाइटेड स्टेट्स की एक वहदत के अंदर रह कर उन्होंने ये सोचा और ये बात सच है कि हमने अगर पाकिस्तान का नाम लिया तो हम भी उसी वहदत में रह कर सोच रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उन तजुर्बा की बात करना चाह रहे हैं जिसका अहाता जो है वो नेशनलिस्ट हिस्ट्री नहीं करती है या जो इवन जो नॉर्मल हिस्ट्री नहीं करती है तो आपकी बात दुरुस्त ये इस बात से मैं बिल्कुल इतफ़ा करता हूँ कि बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं बहुत सारे ऐसे तजुर्बात हैं बहुत सारे ऐसे नुक़ नज़र हैं और लोगों के एहसास हैं जिसकी तर्जुमानी हमारे यहाँ मौरख़ और तारीख़ नहीं करती है सर इसमें हमारी पॉडकास्ट पर बटालिया भी आ चुकी हैं नमजकरिया भी आ चुकी हैं ब्रिलियंट दोनों का काम है मैंने आयशा जलाल से जब ये पूछा था उन्होंने बोला था कि अच्छा कहाँ पे पीपल्स हिस्ट्री भी बतानी चाहिए बट जब आप तारीख बताएंगे तो जो पावर कॉरिडोर में जो होता है दैट मूव्स हिस्ट्री सो इन टर्म्स ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीपल्स हिस्ट्री क्या इट्स इट्स वुड यू से जस्ट एन एक्सरसाइज इन फाइंडिंग आउट सबॉन्ट स्टडीज़ का भी आपने जिक्र किया था कि पावर कॉरिडोर से बाहर क्या हो रहा था या आपको लगता है कि जिस तरह हम तारीख बताते हैं वो सरासर सरा, सरा गलत है क्योंकि सिर्फ ये बताना कि मुग़ल आए फिर मुस्लिम लीग बन गई कायद अजम नेहरू ने ये डिबेट की और फिर पाकिस्तान बन गया ये गलत है नहीं गलत सही तो मैं आपको जानते हैं शहजाद ना आप इन इन चीज़ों पे हम यू नो ब्लैक एंड वाइट बातें तो करते नहीं हैं लेकिन उसकी भी एक अपनी उस तरह की तारीख़ी अपनी जगह है और उसको जरूर लिखना चाहिए लेकिन आपने रवशी बटालिया के साहबा का नाम लिया और का या रितु मैनन का या वीना दास का जो ख़ास तौर पे बटवारे पे काम है और औरतों पे जो जिनसी तशद हुआ या लोग अगवा हुए या बच्चे यतीम हुए जो भी एक जो हमारे यहाँ ये लोग मारे गए उन्होंने उन आवाज़ों को सामने लाने की कोशिश की है जो कि हमारी जो फॉर्मल तारीख है जो आपकी जो लिखी जाती है पढ़ी जाती है उनमें वो आवाज़ें है जो हैं बिल्कुल दबा दी गई हैं और उनका जो काम है उन लोगों का काम है वो बहुत ही अहम है इसीलिए कि वो तारीख जो कि हमारे यहाँ कॉरिडोर्स ऑफ़ पावर से हट के है जो कि लोगों की रोज़मर्रा की तारीख है और जहाँ वो से सखती आवाज़ें या उनके ऊपर जो म हुआ और जिस तरह उनके फ़र्ज़ कीजिए कि ख़ातून हैं जिनको जिन पे जिनसी तशद हुआ और फिर उसके बाद उनको जो है किसी ज़रिए से वो कोटन कोट कोटन कोट रिकवर हो गई और वो फिर अपने ख़ानदान के साथ लाहौर में या गुजरावाला में जा तो वो वो फिर ख़ामोश हैं हमारी हिस्ट्री से ग़ायब हैं उनका सिर्फ हमें ट्रेस ये मिलता है कि फ़लाँ फ़लाँ वहाँ थी और उनको जो है इस नंबर के तहत या इस लारी में बैठा कर यहाँ ला दिया गया उसके बाद उनका जो तजुर्बा था उनकी ज़ात पे या नहीं यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसकी एक हर चीज़ को हो डिस्क्राइब किया जाए उनको आइडेंटिफाई किया जाए लेकिन वो आवाज़ें दबा दी गई जो उर्वशी बटालिया जैसे लोगों ने और भी लोगों ने जो है वो उनको हमारे सामने लाई और वो फिर हमें एक तारीख का पस देती हैं जो कि सरकारी तारीख नहीं देती जो कि सिर्फ अच्छा एक तो ये है दूसरी चीज़ जो यहाँ पर ख़ास तौर पर उसमें असद मेरे जो दोस्त साथ हैं साथी हैं जिन्होंने जो मेरे साथ जिन्होंने काम किया है उनका इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है वो ये कि हम जो तारीख को सोचते हैं ना वो बड़ी एक टिलोलॉजी के तौर सोचते हैं कि अब यूँ होगा और प्रोग्रेसिव यहाँ पर ये उसके जैसे अगर मार्क्सी तारीख को भी देख लें जिस तरह मार्क्स मार्क्सट या मार्क्स की तारीख की एनालिसिस से मुतासर होकर हम लिखते हैं तो हम कहते हैं पहले जो है फ्यूडलिज्म था फिर कैपिटलिज्म आया और फिर जो है जद्दोजहद होगी फिर सो so, एक प्रडिक्टबिलिटी है हमारे तारीख में मुस्तबिल हम जानते हैं अगर ये ये चीज़ें होंगी तो हमारा ये यूटोपिया होगा एक तरह के जैसे हम टीलियोलॉजी कहते हैं या टी लॉस कहते हैं हमने यहाँ पर जो है बुनियादी तौर पर ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ऊपर जो काम हो रहा है उसके अंदर हमने ये चीज़ डालने की कोशिश की है कि अगर हम तारीख देखते हैं चाहे वो लिबरल हो चाहे वो मार्क्सी हो चाहे वो तारीख़ का एक तर, लिखने का जो मॉडर्न हिस्ट्री लिखने का एक तरीक़ा है कि वो आप जाएं और आर्काइव से चीज़ें हासिल करें और देखें कि माजी तो मर चुका है हा, हाल हमारे सामने है और मस्तल क्या होगा और वो बेन, वॉल्टर बेनमीन को इस्तेमाल करते हुए जो कि बीसवीं सदी के शुरुआत के एक बहुत ही काबिल मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस्ड लेकिन क्रिटिकल भी फिलोसोफर थे राइटर थे जर्मनी से वो हॉलोकॉस्ट के ज़माने में उन कंसंट्रेशन कैंप में नहीं थे लेकिन उन्होंने खुदकशी कर ली थी इस ख़तरे से कि उनको पकड़ा जाएंगे तो पकड़े जाएंगे बहरहाल वाल्टर बहनमियों के एक थीसिस है हिस्ट्री पे जिसको हमने इस्तेमाल किया है कि वो ये कह रहे हैं कि तारीख इस तरह से नहीं चलती है और ख़ास तौर पर माजी से जो हम आ, जो एक्सपीरियंस हैं उसको हम भूल नहीं सकते और तारीख का जो है वो इस तरह से नहीं हम सोच सकते कि सिर्फ़ माजी मर चुका है और हाल है और मस्तबल है बल्कि माजी का भी एक किरदार है हमारे हाल में और अगर हम स्ट्रगल्स की बात करते हैं हम लोगों की तारीख की बात करते हैं लोगों के तजुर्बा की बात करते हैं उसमें हमें माजी को समझना पड़ेगा और सिर्फ उसको जो है धकेल के पीछे नहीं हटाना पड़ेगा तो वो वो माजी चाहे वो मेमोरी के हल शक्ल में हो या वो ट्रेसिज़ मुख्तलिफ़ की साइलेंसेस के हवाले से हो या वो मुख्तलफ़ की इमारत के हवाले से हो जो भी है उनको हमें सीरियसली लेना पड़ेगा अगर हम अपने हाल और मस्तकबिल को समझना चाहते हैं तो एक मख्तल कस्म का इंटरवेंशन हम करना चाह रहे थे बेनमीन बेनमीन के हवाले से और ख़ास तौर पर यह इंटरवेंशन हम थियोरेटिकली पाकिस्तान में जिस तरह से तारीख लिखी जा रही है ये थ्योरेटिकल बात है हर शख्स के लिए ज़रूरी भी नहीं है जानना लेकिन ये हमारी एक काविश थी कि हम इस तरह के मकाले इकट्ठा करें जो कि किसी तरह से इन ये जो एक टी लॉस था और एक जो प्रडिक्टबलिटी थी उसको थोड़ा सा चैलेंज करें। इसके बरक्स कि हम भी उस चीज़ से नहीं निकल सकते उस प्रडिक्टबिलिटी से नहीं निकल ना नेशनल नेशन स्टेट हिस्ट्री से निकल सकते हैं हम भी उसमें एक तरह से मुलवस हैं लेकिन अपने फर्ज़ कीजिए कि एक बात करते हुए उसी की तनकीद भी कर रहे हैं साथ वो बात भी कर रहे हैं तो ये एक मुख्तलिफ किस्म से मतलब हमने पेश करने की कोशिश की माफ कीजिएगा बात पेचीदा है लेकिन थोड़ी और पेचीदा इसको करना चाहता हूँ सर एक ये सिलसिला तो अगर नेक नियति से एकेडमिया में किया जाए कि अच्छा चले हम एक तारीख बताना चाह रहे हैं अगर वेस्टर्न फिलोसफी की बताना चाह रहे हैं तो प्रटेंड करेंगे अच्छा ग्रीक से पहले कुछ भी नहीं था ठीक है फिर डार्क एजेस आ गए रेनोसॉस आ गए वो अगर आप तारीख से देखेंगे वो डायलैक्ट क्यों होता है हमेशा डार्क एजेस का मतलब ये नहीं है पूरी दुनिया में आ, आ, काम नहीं हो रहा था जिसको वो दुनिया समझते हैं जहाँ अब आप अब, अब भी कहते हैं दुनिया इसराइल के साथ खड़ी हुई है वही कलोनियल चार स्टेट्स हैं जिसका तसवर उनकी जहन में दुनिया है और उसी को वो समझते हैं लेकिन आपने आरिस्टोटिलियन टी लॉस का जो जिक्र किया है क्या कि आपको लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में एक और मसला ये भी है कि हमने टी लॉस हमारा इन्वेंट किया है हिस्टोरिकल रिविजनज़म के थ्रू कि क्योंकि पाकिस्तान बना इस फ़लसफ़े पे के मुसलमान और हिंदू हमेशा से अलग कौमें हैं तो इनका अलग होना ज़रूरी था तो फिर पाकिस्तान बनने के बीस साल बाद जवाज़ ढूँढने के लिए स्पेशली ज़ियाल्ह के वक्त में हमें हिस्ट्री में जाकर फिर हिस्ट्री को रिटेल करना पड़ा टू सॉर्ट ऑफ जस्टिफाई दैट टी लॉस दैट टी लॉस वॉज मे बी क्रिएटेड फ्यू डेकेड आफ्टर पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड कि ये देखें अब मोहम्मद बिन कासिम को पहला मुसलमान बनाना पड़ा मुग़ल एरा को इस तरह डिफ़ाइन करना पड़ा कि जिस तरह इट एंड इवन द क्लैश इन द वॉर्स दैट हैपन

ये बातें मोहम्मद बिन कासिम की और हमारा जुड़ता है मतलब आठवीं सदी के सिंध की फतह से और ये सारी चीज़ें और यहाँ हिंदू राजा दाहिर था और वो मुसलमान है वो क्यों आए लुटेरे के तौर पे आए या या वो मतलब वाकई इस्लाम फैलाने आए वो हम उस बहस पे नहीं जाते क्योंकि उनका नाम मुसलमान था लिहाजा वो अच्छे ही होंगे और यहाँ जो हिंदू था वो बुरा ही होगा चाहे वो जितना भी अच्छा हुक्मरान ना हो मैं ये कह रहा हूँ बुरा मानेंगे लोग लेकिन ये कि किसी पर तनकीद नहीं है बस ये कि हमारा पस मंजर इस तरह से बन गया था अच्छा सर हम ये भी सवाल नहीं पूछते मोहम्मद बिन कासिम जिनको मारने आए थे वो मुसलमान नहीं थे हाँ मतलब यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो किस वजह से आए थे देखिए बल्कि अगर आप इस ख़ते की आर्कियोलॉजी की तारीख देखें ये जो भम, जो आपके साहली इलाके हैं यहाँ कबल मसीह से वो लोग जिनको हम अरब कहते हैं या मैसेपटेमिया कहते हैं वो आ रहे थे वो आते थे जिसको वो उनके ज़माने में जो भी ख़त् ये होगा सिंध हिंद जो भी होगा वो आते थे यहाँ रहते थे यहाँ पर जंगें होती थी यहाँ से जो है ग़ुलाम या दौलत लेकर वापस चले जाते थे एक वक्त ही ऐसा आया कि वही लोग जो कि आते रहते थे वो मुसलमान हो गए लेकिन वह फिर भी आते रहे यानि कि अरब यहाँ पर इस खत्े में आते रहते थे Uh, क्योंकि वो इतना दूर भी नहीं है अगर आप खलीजे खलीजा अरब या खलीजा फारस जो भी कहिए उसको उसको क्रॉस करके लोग आ जाते थे और तो ये चीज़ें जो है वो तारीख़ी तौर पे लोग नहीं देखते वो एक मखसूस जैसे आप कह रहे हैं चश्मे के जरिए या एक ख़ास आइडियालॉजी के तरिये उसको देखते हैं जहाँ तक पाकिस्तान आइडियालॉजी का सवाल है आपकी बात दुरुस्त है और दोनों तरफ है यानी हिंदुस्तान में भी अब ज़्यादा हो गया लेकिन इवन इन नेहरूवियन इंडियन नेशनलज़म उन्होंने वो कहा कि ये तो हमारे तीन हजार साल की तारीख़ है और हम जो है चंद्रगुप्त के साम ज़माने से एक वहदत है जो हिंदुस्तान है हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी तीन हजार साल में बहुत सारी मख्तल कौमीतें भी बस्ती थी मुख्तलिफ़ राजा थे एक दूसरे से दुश्म इतफ़ाक़ भी नहीं था चाहे वो एक तौर पर किसी मज़हब में पे यकीन भी रखते थे लेकिन उनके आपस में बुत भी उनके फ़र्क होते थे बहुत सारी चीज़ें होती थी उनके त्यौहार मुख्तलिफ होते थे वो तो बाद में आहिस्ता आहिस्ा करके वो आ, ये एक चीज़ जो हिंद है वो मुग़लों के दौर में कुछ फिर ख़ासतौर पर कलोनियल दौर में एक चीज़ बनी जैसे हम मॉडर्न इंडिया कहते हैं राइट तो अब वो यही बात होती है जो अब वहाँ पर रिलिजस फोर्सेस हैं या हिंद्ता की फोर्सेस हैं वो एक नेहरूवियन ही नरेटिव को आगे बढ़ाते हैं कि देखिए ये मुसलमान तो इन्वेडर्स थे हम यहाँ तब से रह रहे हैं और एक कंटिन्यूटी है हमारी तीन हज़ार साल की और वहाँ ये राजा था और फना राजा था और वो भी एक मुख्तलिफ कस्म की आ, आ, तारीख को सामने लाने की कोशिश करते हैं एक अपनी कंटीन्यूटी के हिसाब उसमें उसमें उस, उस, उस नैनलिस हिस्ट्री में यानी इंडियन नेशनलिस्ट हिस्ट्री में पाकिस्तान पर आता हूँ उसमें फिर जो उनके पास सान्या हुआ ना वो बंटवारे का वो ये हुआ कि एक वहदत का बंटवारा हुआ उनके नज़दीक ये पूरा खित्ता जो था इंडिया ये एक चीज थी और इसकी एक कंटिन्यूस हिस्ट्री थी जो कि टूटा और ये पाकिस्तान बना और पाकिस्तानियों के नज़दीक जो भी उन्होंने कौमियत की एक शर्तें रखी थी मुस्लिम लीग ने कि मुसलमान एक कौम है क्योंकि उसके रहन सहन का तरीक़ा मज़हब एक है हालांकि कौमियत की तारीफ़ तो ये नहीं होती कौमियत की तारीफ़ होती है कि आप एक ख़ते में रहते हैं आपकी ज़बान एक होती है आपका आप सकाफ़त एक होती है तो यानी कि जो तमिल मुसलमान है उसका बंगाली मुसलमान से बहुत ज़्यादा सवाए यह कि मज़हब एक है हमने मज़हब के बुनियाद पर कौमियत रखी ना तो वह उस और फिर उसको फिर हमें प्रूव करना पड़ा कि यह एक बाकी मुसलमान एक कौमियत है क्योंकि आप जानते हैं और हम जानते हैं कि बलोच में और कैरे के मुसलमान में बहुत फ़र्क है ज़बान केरेला की मुसलमान की जो है मलयालम है जो कि के केरेला के हिंदू और क्रिश्चियंस की भी होगी शायद उनका खाना पीना भी एक जैसा हो शायद उनके तह जो मौसमी त्यौहार हैं वो भी एक जैसा हो और बलोच के यहाँ भी जो बलोची बोलने वाला है ब्राहवी बोलने वाला मुसलमान और हिंदू वो उनके नज़दीक ज़्यादा जा अहम हंगी हो लेकिन हमने उन चीज़ों को तोड़ा और एक नई कैटेगरी बनाई कि रिलिजन अकॉर्डिंग टू कल्चर और नॉट कल्चर बट आइडेंटिटी और एथनीसिटी और नैशनलिटी अकॉर्डिंग टू रिलिजन और उसको फिर हमें जो है वो तारीख के ज़रिए जैसे आप कह रहे हैं प्रूफ करना पड़ा और फिर मुख्तलिफ कस्म की कलावाज़ियाँ खानी पड़ी जिसमें हम मुख्तलिफ कस्म के लोगों को निकालना पड़ा कि ये भी हम देखो तब से एक हैं क्योंकि आपको कंटिन्यूटी भी शो करनी थी न कि हम तब से जो हैं वो इकट्ठे हैं और वह फिर और वह चीज़ें रही वो चीज़ें मुल्क बनते ही मसला शुरू हो गया ना पहले उर्दू जबान और बंगाल का मसला शुरू हुआ और फिर उनचास में बलूचिस्तान का मसला भी शुरू हो गया उसके बाद बासठ में भी अठावन बासठ में भी बलूचिस्तान का हुआ आपने वन यूनिट बना दिया बंगाल का मसला पूरे साठ की दिहाई में रहा फिर बंगाल इलहदा हो गया उसके बाद तिहत्तर में बलूचिस्तान का रहा सिंध का मसला जो है वो ब... वन यूनिट के वक्त जब टूटा सिंध ने भी अपने हकूक़ की बात की और शुरू ही से पश्तून नेशनलिज्म का मसला था आते ही सबसे पहले जना साहब ने जो है डॉक्टर खान साहब की हुकूमत तोड़ी और वहाँ गवर्नर रूल डाला वो जो थे रिप्रेजेंटेटिव थे डॉक्टर खान साहब जो थे वो पश्तून नेशनलिज्म के थे और वो कांग्रेस साइड के भी थे वहाँ पर जो है उस जमाने में एन डब्ल्यू एफ़ पी में कांग्रेस जीती थी छियालीस के इलेक्शन जीती थी या उनकी एक बाहरी नहीं तो एक छोटी सी अक्सरियत थी तो उन्होंने वहाँ गवर्नमेंट बनाई थी तो ये मसले तो हमारे यहाँ कौमी हकूक़ के तो रहे हैं सर तो इसमें आपके ऐसे में भी ये जिक्र है गफ्फार का खान और बादशानी का आफ्टर 1954 की असेंबली जब डिसॉल्व हुई थी जी जी। पर क्योंकि हम इस रैबिट होल में चले ही गए मैंने भी अभी रिसेंटली एक टॉक दी थी ब्लैक होल पे पाकिस्तान लॉस के नाम से एक इनविटेबिलिटी थोड़ी हमारी डिस्कशन्स um, में आ गई है कि क्योंकि पाकिस्तान इस बेसिस पर बना था कि मुसलमान और हिंदू अलग कौम है तो वो रिलीजन या रिलीजन सुप्रेमसी भी जो स्टेट बनेगा वेर वी स्टैंड टूडे उसमें एक इनटिबिलिटी लोग दिखाते हैं तो मैंने थोड़े हिस्टोरिकल मोमेंट्स से बताया था कि वी कुड हैव टोल्ड अ डिफरेंट स्टोरी एंड तो इस में जो एक इनविटिबिलिटी का डिस्कशन पाकिस्तान में आना शुरू हो गया है कि क्योंकि आप इसलिए बने थे तो आपने वहीं खड़े होना था जो आज खड़े हैं उसको काउंटर करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नेशनलिज्म हमेशा इनएविटेबली मिथ्स मेकिंग पे ही बेस्ड होगा कोई ना कोई तो आपने मिथ्स बनाने ही है इट वट बी हिस्टोरिकली करेक्ट और एक्यूरेट बिकॉज आपने एक स्टोरी बेचनी है अमेरिका ने भी बेची जिसमें वो जेनोसाइड को अंडर प्ले करते हैं तो वॉट इन योर ओपिनियन इट्स अ काउंटर फैक्चुअल विच हिस्टोरियंस डोंट लाइक टू एंटरटेन बट इफ़ यू मे के क्या अलग हम स्टोरी बता सकते थे वुड हैव अकोमोडेटेड मल्टीपल विद इन दिस फेडरल स्ट्रक्चर जी बिल्कुल बता सकते थे देखिए जो जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान बनता है मुस्लिम नेशनलिज्म के हवाले से मुस्लिम नेशनलिज्म तो एक वक्ती तौर पे ऐसा नारा था जिसके गिर लोग आ गए और उस वक्त लोग कुछ कन्विंस भी हो गए कि हाँ वाकई जो है रिलीजस आइडेंटिटी कैन बी नेशनलिस्ट आइडेंटिटी ठीक है ना वो बन गया लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया उसके बनते ही ये चीज़ें फ्रैक्चर्स हमारे सामने आ गए अच्छा हिंदुस्तान में जस मिसाल देने के तौर पे उन्होंने भी ये चीज़ समझी लेकिन उन्होंने सत्तर साठ सत्तर की दिहाई तक एक तो बहुत सारे सूबे बना दिए और फिर जो तौर पर जो सदर्न स्टेट्स थे उनको उन्होंने अपनी ज़बान के हवाले से बहुत सारी मराद दी राइट right? तो हिंदी को तो उन्होंने इम्पोज़ किया एज़ ए नेशनल लैंग्वेज लेकिन तमिल और मलयालम और तेलुगू को भी हकूक़ दिए कि वहाँ पर वो अपनी ज़बान में बच्चों को तालीम दें और उनके अपनी जो है सकाफत की तर, वो फ़रो दें हमारे यहाँ ये मसला ये रोक नहीं समझे हमारे यहाँ उन्होंने वही कोशिश करने की, को, की लेकिन जब इकहत्तर में बंग्लादेश बनता है और वो बुनियादी तो, देखिए पहले सत्तर का इलेक्शन था Uh, सत्तर की इलेक्शन जब हुई तो आपको याद होगा मतलब आपने पढ़ा होगा कि सत्तर के इलेक्शन में आप अच्छा वो आपने करेक्ट कर लिया मुझे लग लग रहा रहा था कितना नहीं नहीं आपको आप uh, मैं भी छोटा था लेकिन कि मुझे याद है तो मैं आपसे जिक्र ये कर रहा था कि सत्तर की जो इलेक्शन है उसमें ये यह तौर पे सामने आ गया था कि जो कौमियत का सवाल है जो नेशनलिटी का सवाल है उस पर लोगों ने वोट दिया देखिए बंगाल में तो अक्सरियत अक्सरीत अवाग की थी राइट उसके बाद बलूचिस्तान और एन डब्ल्यू एफ पी में जे यू आई के साथ जो नैप जो कि एक नेशनलिस्ट पार्टी थी जो कि नेशनलिस्ट पार्टी थी सिर्फ पखतून या पश्तून कौमियत की नुमाइंदगी नहीं करती थी लेकिन फिर भी एक लेफ्ट ऑफ सेंटर थी जिसमें एक अक्सरियत जो थी वो पश्तून नेशनलिज्म का भी एक अंसर था और बलूचिस्तान में तो ज़ाहिर सी बात है जो है ना वो नैप का था और सिंध में गोके आई थिंक भुट्टो साहब अपने को नेशनल लीडर कहते थे लेकिन सिंध में भी एक वोट हुआ आ, उनको मिला तो एक नेशनल क्वेश्चन का उस इलेक्शन में आ, सामने आया अच्छा फिर इकहत्तर का जो वाक़ हुआ आपको पता है और जो बांग्लादेश की आज़ादी की तहरीक थी और बंग्लादेशा हुआ वो सब कुछ हुआ या कौम बना या एक एक, एक, एक उसकी आज़ादी हुई लेकिन उसके बाद जो है वो जब भुट्टो साहब ने कोशिश की और उन्होंने यहाँ पर आ, कौमी ज़बान की बात जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट की कि सिंध में जो है वो सिंधी पढ़ाई जाएगी तो उसमें वो लसानी फसा यू नो एक बैक क्लैश खैर जब जिया का ज़माना आया तो ज़िया का जो भी आप कहिए और उसकी जो जबर है और उसका जो सब कुछ है वो है लेकिन उनका ख्याल ये था कि हम रादर देन जो आप सवाल करते हैं ना कि लोगों की कौमियत उनकी ज़बान उनकी सकाफ़त को इज़्ज़त देकर हम जो है एक गुलदस्ता सा बनाएं उन्होंने कहा उन्होंने फिर वो एक यूनिट्री आर्ग्यूमेंट की बात की कि हम इस्लाम के ज़रिए सबको इकट्ठा करेंगे वो जो सारा जो एक आइडियोलॉजिकल मूव था नजरियाती जो उनका काम था वो ये था कि हम कौम को कौमियतों को और उनके आ, उनके जो जायज़ जो जद्दोजहद है आ, कौमी हकूक़ के लिए ज़बान के लिए उसको दबा कर उसके ऊपर हम एक यूनिवर्सल यानी कि एक आ, इस तरह की नज़रिया डालें जो कि हम सब मुसलमान हैं वही जो पाकिस्तान और उन ये इस्लाम का उनका फ़रोग देना एक तरह की ये भी था कि कौमी यकजहती का लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है काम नहीं हुआ उसमें जो है बाद हमेशा दड़ाड़ें पड़ती रहीं क्योंकि जो जो भी इस तरह की यूनिवर्सलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स होती हैं उनकी अपनी एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिस होती है आप कुछ लोगों को तो इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को आप अपने इस बाहर भी रखते हैं और जो बाहर रखते हैं वो मार्जिलाइज होते हैं उनके एहसास उनके तजुर्बा उनके वही हिस्ट्री जो होती है ना द एक्सक्लूजनरी इम्पल्स विद इन नेशनलिज्म और ये जो तो इस तरह से सोचना चाहिए आप जो मुझसे फैक्चुअल बात कर रहे हैं वो फैक्चुअल नहीं है हमारी रियासत और हमारे जो कौमी लीडरान हैं उनको ये बात समझनी चाहिए थी कि हम अगर हम एक वहदत बन भी गए थे पाकिस्तान बन भी गए थे हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके बने थे और उनको नज़दीक लाने का तरीका ये था कि आप उनके सकाफत को उनकी ज़बानों को उनके तजुर्बात को भी तरजीह देते तभी एक फूल का जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ फूल का गुलदस्ता बनता जो कि सेंट्रपीटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को टेंशन भी मिल रखता लेकिन साथ भी रखता सेंट्रीपीटल मतलब वो वो क़ोतें जो आपकी सेंट्रलाइजिंग स्टेट से उस तरह से हम आंगी नहीं रखती थी और वो जो कि आपके साथ दोनों को साथ ले चलना और ये मेहनत का काम है क्योंकि आप जबर के जरिए सबको कुछ वक्त तक तो आप आ, समेट सकते हैं लेकिन यह जबर हमेशा काम नहीं चलता है मैं सिर्फ फिज़िकल वायलेंस की बात जी. नहीं कर रहा बट सोशल वायलेंस कल्चरल वायलेंस यानी कि आप अगर एक ज़बान और एक ख़त्ते की नुमाइंदगी करते हैं एक तहजीब की नुमाइंदगी करते हैं एक ओत की लिटरी uh, ट्रेडिशन की uh, जो है वो नुमाइंदगी करते हैं और कहा जाए नहीं तुम ये ना बोलो तुम ये ना सोचो तुम अपने बड़ों की बात नहीं कहो तुम वो सोचो जो हम कह रहे हैं क्योंकि यही मुस्कबिल है यही बेहतर है तुम्हारे लिए तो कोई तो ऐसा वक्त आएगा जब आप कहेंगे कि भाई क्यों आपकी क्यों सुनी जाए और हमारे में क्या खराबी है तो ये तो टेंशनस रहेंगी और हमारे यहाँ आपने जो बात की तो ये हो सकता था बिल्कुल हो सकता था लेकिन ये बहुत सारे सियासतदानों ने नहीं सोचा इसमें हम काफ़ी पॉडकास्ट कर चुके हैं कि शुरू शुरू के हमें सियासत की या गलती थी ज़िया के पेंडोरस बॉक्स विच में भी कम बैक टू अगर हम किताब पर आ जाएं अफ्रीकन प्रोवर भी है कि जब तक शेर अपनी कहानी सुनाना नहीं शुरू करेगा तो हर कहानी हंटर के पर्सपेक्टिव से ही लिखी जाएगी अभी रिसेंटली इसराइल ने रिफात अल अलीअर को टारगेट करके मारा उनकी एक किताब है ख़ा राइड बैक जो एक एंथोलॉजी है एसेज की तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ एंड मैंने ऑब्वियसली आइडेंटिटीज़ तो गूगल नहीं की उन लोगों की जिन्होंने ऐसे लिखे हैं लेकिन अनपैकिंग बलोचिस्तान पे अगर आपका एक चैप्टर है क्वेर हिस्ट्रीज़ पे अगर आपका एक चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग दिस पीपल हाउ इम्पोर्टेंट फैक्टर वॉज इट फॉर यू कि लोग अपनी कहानी बताएँ अक्सर ऐसा होता है कि हम या तो कलोनियल हिस्ट्रीज़ पढ़ रहे होते हैं बलोचिस्तान को भी हमें उस परस्पेक्टिव से बताया जाता है या हमारे भी जो अफसरान हैं सी एस एस ऑफिसर्स हैं वो जाते हैं और किताबें लिखते हैं तो उस परस्पेक्टिव से बताया जाता है सो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर यू टुगेदर दिस एंथोलॉजी कि लोग अपनी कहानी बताएं और उनकी आइडेंटिटी ऑल्सो मैटर्स देखिए आइडेंटिटी मैटर्स लेकिन अगर हम आइडेंटिटी पे जाते हैं तो फिर सिर्फ मैं अपने खानदान की कहानी लिख सकूँगा मतलब स्कॉलर्सो मकसद ये है कि हम किताब लिखें हम कहानी लिखें और जिन लोगों की कहानी लिखें वो तो जाहिर सी बात है एक हसासियत से लिखें या उनके नुक़ः नज़र से लिखें या उनके ए, उनके एहसास की तर्जमानी करें राइट सेंसिटिविटी हो एक एम्पथी हो उनके साथ ज़रूरी नहीं है कि हम ही बलोच हों या हम ही क्वेर हों लेकिन हम उनकी जो जो भी उनकी एक्सपीरियसिस हैं उनको जो है लेके आए अब जाहिर सी बात है वो परफेक्ट तो नहीं होता लेकिन वो भी परफेक्ट नहीं होगा अगर मेरी अपनी आइडेंटिटी की मैं कहानी लिखूँ क्योंकि मैं भी अपने चीज़ें कुछ रखूँगा कुछ नहीं रखूँगा कुछ बोलने की कोशिश करूँगा कुछ नहीं बोलने की कोशिश करूँगा तो वो तो खैर जो पढ़ने वाला है या जो हमारे नक़ाद हैं वही समझेंगे कि कितना अच्छा काम किया है या नहीं लेकिन जो बेशतर लिखने वाले हैं वो शायद उनका यह अपना तजुर्बा ना हो क्योंकि हम जो हैं वो बुनिया वो हम एकेडमिक काम कर रहे थे हम लोगों से उनकी सबान उमरियाँ नहीं लिखवा रहे थे लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो काम लोगों ने लिखा है लहफर्स कीजिए कि अदीम सहेल का जो पर्चा है आ, बलूचिस्तान के हवाले से और दो खुवात हैं जिन्होंने काम ले पर किया है तो बलूच हिस्ट्री जो है जो कि एक हम उसको एक तरक् पसंद हवाले से भी देखते हैं और एक जद्दोजहद के हिसाब से भी देखते हैं पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ वो भी एक बुनियादी तौर पे ऐसी तारीख हैं जिसमें बेशतर जो किरदार हैं वो मर्द हैं हम और एक जद्दोजहद की कहानी है और यूं हुआ और फ़ला जो थे वो उन्होंने इस वक्त ये किया मतलब और वह बिग मैन की भी कहानी है कि बड़े बड़े लीडरान थे उन्होंने यूं किया और पहाड़ों पर चल गए और जो ख़ातन की कहानी यानी कि बलूच औरतों की कहानी है वो बहुत ही यानी इवन इन अ प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट साइलेंस्ड हिस्ट्री जब तारीख लिखी जाती है तो वो मर्दों के पस मंज़र से लिखी जाती है और औरतों की आवाज़ उसमें नहीं होती है तो ये अदीम ने जो है काम हमारे हमने जो शामिल किया है अदीम का पर्चा या मकाला वो इस पस मंज़र से किया है कि वो दो औरतों की बात करता है जो कि जिससे उन्होंने मिले थे जिनकी कहानी उन्होंने रिकॉर्ड की और फिर वो ए, उन्होंने ए, जो लयारी में थी और उन्होंने उनकी उनके तजुर्बात को और उनकी कहानियों को सामने लाए कि बलोच औरतें जो हैं उनका इस जद्दोजहद से या बलोच ज़िंदगी से या बलोच सियासी पस मन से क्या उनका लगाव था या उन्होंने उसमें क्या रोल अदा किया और वो उन्होंने इसी बुनियाद पे किया है कि जो हमारे यहाँ कोर्ट एंड कोर्ट वही जो मैंने शुरू में बात की थी जिसको हम आर्काइव्स कहते हैं जो कि एक सरकारी आर्काइव्स होती है हम जाके देखें उसको उन्होंने आर्काइव के मानी को भी ब्रॉडन किया है क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़े से उस तारीख़ को हमारे सामने पेश किया या उमर का आसमानी की जो कहानी जो है उसने जो है वो एक शायर पर काम किया है इफ्तार नसीम जो कि शिकागो में होते थे ही अ गे पोइट एंड उनका काम जो है वो इस हद तक यहाँ पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता है जिनको जिनको इल्म है उनको इल्म है और इफ्तार ख़ुद जो है वो एक मखसूस कस्म की ज़िंदगी गुजारते थे और वो लिखते थे और बहुत अच्छे शायर थे और उन्होंने अपने आइडेंटिटी और सेक्चुअलिटी के हवाले से भी लिखा लेकिन उनकी मकबूलियत नहीं है उनको लोग नहीं जानते या लोगों को उस चीज़ को पर्दे में रखना चाहते हैं या वो व, बेशतर बेशर वजूहत हैं लोगों की सेक्चुअलिटी के हवाले से लोगों को जो है एक हिचकिचाहट होती है लेकिन और फिर उसने जो है वो शाहबाज कलंदर के हवाले से भी बात की है और वहाँ जो फ़क़ीर होते हैं वो सारा कुछ उसकी एक किताब भी उमर की आई है शाहबाज कलंदर पे परक्र आइडेंटिटीज़ uh, और एक एडिटेड वॉल्यूम भी अभी उन्होंने इस तरह से लिखी है जिसमें बेशर uh, लोगों के मकाले हैं वो मे बी यू नो उन्हों इन पाकिस्तान तो वो एक है तीसरी क्लेयर पेमट का है जी और क्लेयर का जो काम है मैं सेक्चुअलिटी के हवाले जी से जी बात कर रहा तीसरी हाँ तो क्लेयर का जो काम है वो पढ़ाती हैं असिस्टेंट प्रोफे, एसोसिएट प्रोफेसर हैं विलियम एंड मेरी में और क्लेर का बहुत अरसे से काम जो है वो परफॉर्मेंस पे है और हम ख्वाजा सरब पे है और उसने उनका एक मखसूस परफॉर्मेंस के हवाले से उसकी एनालिस की और इनका बहुत ही लंबा काम है और बड़ी और मैं भी इनके काम से वाकिफ़ हूँ ये ऑस्टन भी आई थी अपने ग्रुप को लेके व वहाँ भी परफॉर्म किया और इनकी ख्वाजा शरा की कम्यूनिटी से एक बहुत ही पुराना जुड़ा हुआ और मोहब्बत वाला रिश्ता है और मैं भी उन लोगों को जानता हूँ मैं भी उनको मिल चुका हूँ तो हमने कोशिश ये गो कि वो ख़ुद कुछ लोग हो ना हो उनकी किसी की भी आइडेंटिटी पे मैं इस वक्त तो तबसरा कर नहीं सकता लेकिन उनका काम जो है वो एक एक जैसे कहते हैं सेंसिटिव एक हसास काम है जो कि लोगों के साथ एक दरियाँ और और एक लंबे अरसे के ताल्लुक़ के बाद ये चीज़ें लिखी गई हैं अब उसकी वो सौ फ़ीसद नुमाइंदगी रिप्रजेंटेशन इज़ इज़ इशू राइट वो तो कहीं कोई भी लिखा लिखे कोई भी चीज़ करेंगे तो रिप्रजेंटेशन की तो हमेशा कोई ना कोई झोल रही जाता है तो वो तो हम मानते हैं उस बात को लेकिन जिस हद तक हम मुमकिन है जिस हद तक मुमकिन है उसको जो है वो उस, उस उनकी एक्सपीरियंस को उनके तजुर्बा को हम जो हैं वो उसकी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं खुद है। अपनी आपका का भी बहुत अच्छा काम है उमर का बहुत अच्छा काम है और हमने ये और ये नस्बता ये, ये अगली नस्ल है दोस्त ये मतलब मुझसे छोटे हैं और ये जो अगली नस्ल है जिन्होंने इस फील्ड को संवारना है तो वो भी हमारे लिए था कि हम उन आवाज़ों को लाएं जो कि नया काम कर रहे हैं मुख्तल और मुनफरद काम कर रहे हैं और उनकी आवाज़ों को भी तो वो उनकी आवाज़ ख़ुद आनी चाहिए इस फोरम में और जिन लोगों की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं उनकी आवाज़ बहुत ज़रूरी so, है सिंस मुझे पता है आपका भी थिएटर और थिएटर हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा शौक है कुछ पुराने फ्रेंच प्लेस भी हैं जो इस बात को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि एकेडेमिया ने फ़ैसला कर लिया है कि क्या चीज़ पढ़े लिखे पढ़ने के काबिल है और फिर उसको बाकी जो एकेडेमिया लैंग्वेज से बाहर है तो वो देर इज़ ऑल्सो दिस डिस्कशन दैट एकेडेमिया और द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी इन एसेंस इज़ ऑल्सो एक्सक्लूज इन मैनी वेज तो जो नए नस्ल के रिसर्चर्स हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो एम्पथी के साथ करें वो इन ट्रैप्स में ना फंसें जिस तरह आपका भी ऐसे है उसमें आप आ, एंड में अजीज़ साहब का एक ऐसे लिखते हैं तो स्पेशली इन कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ जिन लोगों ने वो तारीख जी है शायद उनके पास वो लैंग्वेज ही इनएक्सेसिबल है वो तारीख़ लिखने के लिए तो जो लोग ये काम करना चाहते हैं ओवरल हिस्ट्रीज़ को प्रिजर्व करना चाहते हैं आप क्या एडवाइस देंगे किस तरह वो पिटफॉल्स में ना पढ़ें विच मे बी सम ऑफ द हिस्ट्री हैज़ बाय वेदर दैट राज बाई तो ियलोह सी बात है कलोनियल राज है अभी का आप देखिए ना बंगाल के ऊपर जो आपको मिलेंगी किताबें वो हम उन जर्नैलों की मिलेंगी जो कि वहां पर तैनात थे राइट और जो बंग, पाकिस्तान के अंदर और वो कहानियाँ नहीं मिलेंगी जिनके ऊपर जबर हुआ है, <laughs> राइटर हाँ. like, नहीं, think, नहीं। witness to surrender भी जो है वो जो सिद्दीक साहब थे वो तो बाद में हक साहब के ये बने मुणची। नहीं मुणची, हाँ मुंशी कह लीजिए उनके स्क्रिप्ट रा, स्पीच राइटर वोगी थे, हाँ। वोगी 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 थे हाँ और वो उनका ये है कि ठीक है वो विटनेस टू सरेंडर थे और वो पीडब्ल्यू बन गए लेकिन हाँ उससे ही बात शुरू होती है लेकिन बुनियादी तौर पे वो तो उनका पस मंजर है वो तो उन लोगों का पस मंजर नहीं है पे जो है फ़ौज कशी हुई और जिनके साथ बहुत सारा हुआ वो तो नहीं और उनको हकीक़त बात भी नहीं है मतलब हकीकत होगी वो उनकी हकीकत है लेकिन जिस तरह से उन उन्होंने नहीं समझा कि हमारे यहाँ एक शख्स ने एक सियासी जमात ने इलेक्शन जीत लिया है यह उनका हक है कि वो पार्लियामान में आकर उनको जो है वो पाकिस्तान के वज़ी अजम का दें इस पर तो इतफ़ाक़ नहीं है ना सदीक सालिक का उस किताब में उनका तो ये है कि भाई हम वहाँ गए और हमें इस तरह हुआ और हमें जो है वो हथियार डालने पड़े और फलां की गलती थी फलां की गलती थी लेकिन भाई बुनियादी गलती तो ये थी कि आपको फौज कशी करने की ज़रूरत क्या थी अब आपकी चीज़ें लोग सुनेंगे और फिर मुझे गंदे अंडे फेंकेंगे लेकिन ये बुनियादी तो मैं खा लूंगा थोड़े से मैं भी खा लूँगा मुझे कोई मतलब गलत बात नहीं कर रहा हूँ तो बात ये है उसके बाद न्याजी साहब भी लिख रहे हैं और मिठा साहब भी लिख रहे हैं और ख़ालिद सिद्दीकी साहब भी लिख रहे हैं और न्याजी साहब भी लिख रहे हैं यानी कि ऑक्सफ़र्ड के अगर जाइए तो ये सारी चीज़ें और ये बिकती थी और अभी भी बिक रही होंगी लेकिन खैर कुछ आवाज़ें ऐसी हैं और ये हमने यहाँ पर डाला मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ तो थोड़ी सी ये कि हमने तीन हमारे पास एसेज हैं यहाँ पर मकाले हैं जो कि बंगाल के हवाले से हैं एक का मुखर्जी की है जो कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से बंगाली बंगाल के सारे जो इवेंट्स हुए उसको किस तरह से पाकिस्तान में रिप्रेजेंट किया गया एक है दीना सिद्दीकी का जिसमें उन्होंने बताया है कि वो लोग जो कि अपने आप को पाकिस्तान से आइडेंटिफाई करते थे उनको बिहारी कह लीजिए या उर्दू स्पीकिंग कह लीजिए और वो जो बंगलादेश में फंस गए उनकी उनकी रुअदाद है और उनके साथ बंगलादेश की जो बाद की जो रियासत है उसका क्या ताल्लुक रहा और तीसरी है उन लोगों की जो बंगाली थे जो कि पाकिस्तान में रह गए और उसमें एक फ़ोटो ऐसे है नाइला महमूद का बहुत ही शानदार तीनों बहुत अच्छे पर्चे हैं और आज भी अगर आप मच्छर कॉलोनी चले जाएँ तो वहाँ पर वो लोग जो कि इकहत्तर से पहले से पाकिस्तानी जिनसीत रखते थे यानी सिटीज़नशिप रखते थे वो वो इकहत्तर में वो स्टेटलेस हो गए क्योंकि हम बंगालियों को नहीं तस्लीम करते थे और आज भी उनके साथ जो हो रहा है और जिस तरह से उनके बच्चे मेट्रिक का इम्तहान नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म की आइडेंटिफिकेसन नहीं है या वो स्टेटलेस एलियंस हैं उनको एक एक कैटेगरी में डाल दिया गया है और तो मैं आपसे और तो ये ये भी एक कहानी है जो कि लोगों को नहीं पता है अभी एक हमारे दोस्त हैं उनका पर्चा यहाँ नहीं है लेकिन उन्होंने किताब इन शहरा छप जाएगी इलियास छट्टा इलियास का काम है वो हिस्टोरियन है न, दो तीन वैक्यू प्रॉपर्टी पे लिखा है बहुत बेहतरीन हिस्टोरियन है उन्होंने अभी एक हाल में किताब लिखी है जो कि अंडर रिव्यू है इनशाला वो भी छप जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर आखिर जब हिंदुस्तान ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था तो पाकिस्तान की जो फेडरल सर्विस में या फौज में या पुलिस में बंगाली भी थे तो जब बन जाता है तो उसके बाद लोगों को कहा गया कि आप उनके आप बंगा बंगलादेश के साथ होंगे या पाकिस्तान के अक्सर ने कहा कि नहीं हम वापस जाना चाहते हैं तो उनको मुख्तल कैंपों में रखा गया गया और पाकिस्तान के अंदर पचास इस तरह के कैंप थे फ्राम लेफ्ट जनरल टू सिपाही एंड टू सेक्शन ऑफिसर टू फुल सेक्रेटरीज ये अपने ख़ानदान के साथ बीवी बच्चों के साथ इन कैंपों में रखे गए कोई मुरीदे में कैंप है तो कोई अटक में कैंप है तो कोई खैबर में कैंप है ये कैंप्स थे और ये तीन चार साल तक रहे और उसमें वो सारा सियासत है कि उनको कब भेजा जाएगा रिपेट्रिएट किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये सारा शिमला अकॉर्ड्स के बाद हुआ तो ये कहानी तो लोगों को पता ही नहीं है समझे आप यू नो दे वी वर कीपिंग पीपल इन कैंप्स उनको राशन मिलता था वो अंदर और वो बच्चियां बच्चे जो थे वो बड़े हो गए हैं वो याद उनकी कहानियां हैं कि हम किस तरह हमें जो है वो हमारे घर वाले जो वहाँ पर स्कूल बनाया जाता था कितना राशन मिलता था यू you नो know, और वो इलाक़े में जाइए तो लोगों को याद है कि हाँ फला जगह पे फला स्कूल में ये कैंप था और उसमें लोग रहते थे और उस,

ट्रिब्यूनल के ज़रिए चार्ज करके उन पर केस चलाना चाह रही थी तो और हमारी ख्वाहिश थी कि वो ना हो तो ये सारी चीज़ें हो रही थी तो सवाल आपका रह गया लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बताइए नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और यही इसीलिए तारीख बताना भी ज़रूरी है कि आप उससे सीखें इस वक्त हम दो मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ को भी एज ए नगोशिएटिंग टैक्टिक यूज़ कर रहे हैं कि मतलब ये इंसान हैं जिनकी फैमिलीज़ हैं जिनके ख़ानदान हैं जिनके बिजनेस हैं फ्राम स्टेट लेवल वर्ल्ड लाइक अच्छा इनको अगर हम फेंक देंगे उठाकर और फेंका ये उठाकर तो अफगान गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ जाएगा और हमारी निगोशिएटिंग पोजिशन स्ट्रांग हो जाएगी सो यू आर नॉट ट्रीटिंग दीज इंडिविजुल्स एज फुली फॉर्म्ड ह्यूमन बींगाइफ़ आपकी बिल्कुल दुरस्त तो बात है दोस्त देखिए पहले तो जब ये आए अस्सी की दिहाई में तो हमने इनको रिसीव किया अच्छा अस्सी की दिहाई में ये आए और जंग हुआ और हमने सपोर्ट किया एक आ, रूसी कोट जारीत जो भी आप समझिए और उस वक्त जो है इनके साथ साथ इसला भी आया और मुख्तलिफ कस्म की चीज़ें जो हैं मनशियात और ये वो सारी चीज़ें हुई अब आ गए इनको मराद भी दी गई लेकिन बहुत सारे तो गरीब गुरबा थे और वो चालीस चालीस साल से यहाँ बैठे हैं ठेले लगा रहे हैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं हर शख्स को पूरी कौम को कह देना कि ये दहशत गर्द है और हमारे जो हैं उनको पकड़िए है आप जो हैं उनको आप सज़ा दीजिए जैसे कि एक आम मुजरम को देते हैं आपके पास कोर्ट्स हैं सब कुछ हैं आप कानून का हाथ लीजिए लेकिन वो शख्स जिसने आज तक अपना जललाबाद नहीं देखा काबुल नहीं देखा वो तीस साल का है पत्तीस साल का है, सारी जिंदगी वो पश्तों से बेहतर जो है वो दर्री से बेहतर पश्तों से बेहतर उर्दू बोलता है या रजबस गया है या उनके बच्चे जो यहीं पैदा हुए हैं उनकी क्या गलती है देखिए मैं आपको एक वो दूंगा लोगों को शायद समझ ना आए फर्ज़ कीजिए मेरा ख़ानदान जो है वो हिंदुस्तान से आया था और साठ या सत्तर की दहाई में जब मेरी एक लड़कपन का था पाकिस्तानी हुकूमत कहती है आप सब बोरिया बिस्तर बरंद के हिंदुस्तान चले जाइए भाई हम भी तो कोट एंड कोट महाजर आए थे ना महाजरत का मतलब रेफ्यूजी होता है वो आए थे अपनी मर्जी से अपनी नहीं मर्जी से या डर के या खौफ से या यहाँ बेहतर जिंदगी के लिए जो भी वजह से आए थे वो ब, वो लोग भी तो यही इसी आए थे तो हम कहाँ वापस जाते हिंदुस्तान एक तो कबूल करने को नहीं और हमें कोई उनसे ताल्लुक़ नहीं था वहाँ के वहाँ पर एक घर में जो बात होती थी उसके अलावा ना हमें गलियाँ पता ना स्कूल पता ना ज़बान पता अगर हम सब को वापस भेज दिया जाता मेरे जैसे लोगों को तो एक जुल्म होता ना तो इस तरह ही इसे समझना चाहिए कि ये अफ़गान जो यहाँ पर पैदा हुए हैं पले बड़े हैं और बेशतर उनमें से गरीब हैं जो जो यू you नो know, दिन की दिहाड़ी करते हैं ठेले लगाते हैं फल बेचते हैं मेवे बेचते हैं जूते का जूते बनाते हैं लोगों के घरों पे काम करते हैं ड्राइवरी करते हैं या नहीं जी जी अपनी रोज़ी कमाते हैं तो बहरहाल ये तो आ, मतलब ये मेरी राय है लोगों लोग बिल्कुल सर मेरी भी यही राय है अगर हम आपके ऐसे का जिक्र करें मुस्लिम लीग पे अक्सर ये तनकीद की जाती है कि जिस खत्े से आपका ताल्लुक नहीं था उस पर आके हुक्मरानी कर रहे थे तो वो एक किसम भी था एक फेयर ऑफ इलेक्शन भी था सी सी पे भी सी सी पी पे भी ये तनकीद जायज़ है आपने एक वजह तो ये बताई है कि के सी सी पी की जो है सी पी पी का जो पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जो कैडट था उसमें अक्सर हिंदू थे जो चले गए थे पर अगर सज्जाद जहीर साहब आते भी हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है बट वो इम्पोर्ट इंडिया से क्यों करना पड़ा लीडरशिप डी फील लाइक दैट्स वैलिड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन पाकिस्तान जी नहीं देखिए वैलिड क्रिटिसिज्म इस तरह से है ना या क्रिटिसिज्म वैलिड तो खैर हम आप क्या अंदाजा लोग कहें क्रिटिसिज्म इस तरह से है ना कि बुनियादी तौर पे यहाँ जो लीडरशिप थी uh, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सिंध में या पंजाब में ख़ासतौर पे पंजाब में किसानों में भी काम था और कुछ रेलवे वर्क जो सबसे ज़्यादा मुनज़म प्रोल्तारिया या वर्कर्स की जो, जो यूनियंस थी वो वो रेलवे में थी और जिसका घर जो है वो लाहौर था तो ईस्ट पाकिस्तान में कुछ टी गार्डन्स वग़ैरह में थी और कुछ नो, इतनी तो इंडस्ट्रलाइजेशन भी नहीं थी हमारे जो पाकिस्तान का हिस्सा था इसमें नौ फीसद पूरे यूनाइटेड इंडिया की नौ फीसद इंडस्ट्रीज़ जो थी इस खत्े में थी कुछ मिले फैसलाबाद में थी कुछ उकाड़ा में थी लेकिन जो सबसे बड़ी यूनियन थी वेस्ट पाकिस्तान में वो रेलवेज़ की थी रेलवे वर्कर्स थे ना सिर्फ मुख्तलफ़ुम की लोकोमोटिव इंडस्ट्री थी और मख्तल जो उनके काम होते हैं रेलवे के अंदर उसकी तो कराची में पोर्ट में खासा काम था और पोर्ट में लोग थे वर्कर्स की यूनियन थी मैकडोनल्ड लेटन था लेकिन ज्यादा काम नहीं था दालमिया सीमेंट थी तो वो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि यहाँ लोग थे नहीं या उनके ख्याल में नहीं थे तो उन्होंने और एक जो है सी पी आई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जब बंटवारा हुआ तो उन्होंने तो शुरू में थोड़ा बंटवारे के हक में भी नहीं थे थे नहीं थे थे यू नो पूरे चालीस के दहाये में खेल खेलते थे खर में तो उन्होंने पार्टी को भी तकसीम करने का सोचा लेकिन लो लोग भेजे जिनको वो ट्रस्ट करते थे यहाँ की पार्टी पे की लीडरशिप के तौर पे तो जहीर साहब जब आए जहीर साहब जो हैं इस ख़त्ते में कभी आए होंगे लाहौर आए होंगे लेकिन इस ख़त्ते के लबो लहजे से यहाँ की सकाफ़त से यहाँ के जो मेहनत कश थे उनसे इतने वाकिफ नहीं थे वो थे यूपी के और बहुत ही महजब और बहुत ही अशराफ़िया के आदमी थे पढ़े लिखे थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी वही नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी वफ़ कर दी थी बाएँ बाज़ू के और तरक् पसंद और कौम ने सियासत के लिए लेकिन सकाफती तौर पर उनका यहाँ से उस तरह से ताल्लुक़ नहीं था और जो लोग भी वहाँ से वो ले कर आए और जिनको वो जिन पर वो एतबार करते थे कि यहाँ के लोगों से उनका इतना, इतना सियासी तौर पर और इवन जैसे कहना चाहिए काम के लिहाज से इतना ताल्लुक़ नहीं था सलाम दुआ होगी तो ये हाँ ये बात तो तनकीद तो है कि वह यहाँ और फिर यहाँ पर वो उस तरह से जो यहाँ के लोग थे जो यहाँ पहले से काम कर रहे थे मुसलमान कुछ तो होंगे ना यहाँ सिख और हिंदू तो सिर्फ नहीं थे उनसे उनकी जिसे कहना चाहिए अख्तलाफ राय भी रही और ए, और उसमें लोगों ने फैसले भी ऐसे किए जिसका नुकसान भी हुआ तो लेकिन मैं उनकी नीक नीयतें पर नहीं शक कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक पॉलिसी के तहत बातें हुई बिल्कुल हुई सर, उसमें आ, on the, on the अभी uh, मैंने भी जब टॉक दी तो किसी ने ऑडियंस से पूछा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कॉम ऐसी क्यों है कि हम रेजिस्ट नहीं करते हैं हमारे यहाँ रिवोलूशन नहीं होते हैं। <laughs> आपने शायद तारीख पढ़ी नहीं होगी uh, तो जो शुरू का टाइम था आपने भी जिक्र किया कि कराची में स्ट्राइक हुई थी जिसमें टू हंड्रेड थाउजेंड पीपल एट दैट टाइम वर इन्वॉल्व तो ये एक तो हमने तारीख बताई नहीं है तो शायद लोगों को बता दीजिए कि अब शायद हमें समझा जाता है लेफ़्ट छोटा मोटा है बस ये टॉकिंग्स करता है ये करता है तो वो जो एक हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस है स्ट्राइक्स है पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन हैं, लेबर यूनियन हैं। वो कितनी हमारी रिच हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस रही है देखिए, जाहिर सी बात है जो तंजीम बनी इनिशियली उसमें ज्यादा कार्डर नहीं थे लोग नहीं थे लेकिन आते ही उन्होंने काम वाम शुरू किया कराची के अंदर जैसे मैंने जिक्र किया अच्छा कराची में कॉम्युनिस्ट पार्टी का जो पहला काम था ना यहाँ पर बीड़ी समझते हैं ना आप आ, तो बीड़ी वर्कर्स में काम था बीड़ी वालों के में काम था उसके बाद पोर्ट वर्कर्स में काम था और जो है वो इवन टू दी एक्सटेंट जो बार्स होते थे बार्स के स्टूवर्ड्स में काम था वेटर्स में था यू you नो know, मेट्रोपोल होटल नया नया बना था उसके लोग उसके यूनियन थी तो हर जगह यूनियन बनाने की कोशिश की जाती थी कुछ ये भी था कि वो ज़माना जो था ना अड़तालीस उनचास का वो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हमारी लाइन आती थी, थी तो वहाँ पर उनका ये रवैया था कि हमारा मुल्क बन गया है और मुल्क में जो है वो अब हम उस वही टी लॉस की बात है ना अब हम उस तारीख के उस नहज पर हैं कि अगला जो है वो बस इनकलाब आएगा और हम जो है सोशलिज्म वो दुनिया भर में ये सोच एक हाँ और वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा राह नदीफ की लाइन कहा जाती है वो बाद में पचास के लगभग सन पचास के लगभग उसको संभाला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने तो हमारे यहाँ भी ये था कि बस जो कॉन्ट्रडिक्शन हैं जो तजादात हैं उसको तेज़ कर दो और हम जो है हर जगह हड़ताल हो हर जगह ये हो तो उससे नुकसान भी हुआ क्योंकि फिर रियासती जबर फ़ौर नीचे आता है और आप अभी मुनम भी नहीं है आपके पास इतने लोग भी नहीं है और आपके जो है लोग अंदर हो जाए या उनको जो है वो उन पर तशद किया जाए या उनको जो है वो डराया धमकाया जाए वो सब तो होता है और फिर हुआ यही कि फिर पिंडी कॉन्सपरीसी केस जो भी उसकी नोयत रही लेकिन उसके बावजूद उसके बावजूद क्योंकि कराची के अंदर जो है पचास की दिहाई में बहुत रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और वो स्टेट कैपिटल के वजह से हुई इन्होंने पीआईडीसी बनाई थी सन इक्यावन बावन में उसके तहत बहुत सारे मुराद दिए गए उन लोगों को जो कि पहले मर्कनटाइल कैपिटल में थे या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेडिंग वगैरह में थे कि वो जैसे आदम जी की जूठ मिल बहुत बड़ी बनी मशरक़ी पाकिस्तान में लेकिन मगरबी पाकिस्तान में भी कराची में भी मुख्तलि तरह से स्टेट कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के ज़रिए इंडस्ट्रलाइजेसन हुई अच्छा बावन तिरपन चौवन में जूट का ये फ़ायदा हुआ कि कुरियन वॉर में पाकिस्तान ने बहुत ज़र मुबाद कमाया क्योंकि हमारे पास कपास थी पहले कपास की जो आ, कपास उगती तो ज्यादा मशी पाकिस्तान में थी लेकिन उसकी ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ जो थी वो मगरबी मशरकी पाकिस्तान में थीं लेकिन मगरबी बंगाल में या मशी बंगाल कहिए तो जो बंगाल कलकत्ते के पास जो है ना उनकी फैक्ट्रियाँ थी ट्रडिशनली तो ये पाकिस्तान ने सोचा कि अगर हम अपनी कपास को खुद ही जो है वो रॉ मटेरियल से जो है उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाए तो उससे हम तो ख़ासा ज़रा मुबादला कमाया फिर पेपर मिल्स लगें मुख्तलिफ़ चीज़ें लगें तो उसमें ये कि हाँ उसमें फिर मज़दूरों ने अपने हक़ हाँ के लिए आवाज़ निकाली अब वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चौवन में जाके बैन होती है लेकिन उन्होंने ये पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन वगैरह और लोगों के साथ मिलकर मुस्किल कोई ना कोई और रेलवे वर्कर्स में भी मुख्तल को, कोई ना कोई वो जदोजहद जारी रही आ, मज़दूरों की और मेहनत कशों के हक़ हाँ की अब वो ऐसी थी कि उससे जो है वो रियासत को धचका पड़ता या रियासत जो है वो तब्दील हो जाती शायद ऐसा नहीं था लेकिन रियासत इसको क्योंकि तो वो ज़ाहिर सी बात है कोल्ड वॉर का ज़माना था और जो है वो ए, कुछ तो हमारी खुद स्टेट जो है उसको इस्तेमाल करती थी अमेरिका को डरा धमका अमेरिका से एड लेने के लिए कि अगर नहीं, नहीं होगा जैसे आजकल वो कहती हैं अगर नहीं करोगे तो तालिबान आ जाएंगे उस वक्त वो इस्तेमाल शायद इस तरह करते थे कि नहीं होगे तो कॉम्युनिस्ट आ जाएंगे राइट right? जी हमारे यहाँ जो है वो फिफ्थ कॉम्युनिस्ट बैठे हैं और फला हैं और हमारे सहाफ़ियों में भी और अदीबों में भी तो हमें तो आप तो उसको इस तरह से भी इस्तेमाल करते होंगे वो भी बेवकूफ़ नहीं है वो भी यू you नो know, लेकिन पाकिस्तान को इस्तेमाल करना कोल्ड वॉर में ख़ास तौर पर पचास की और साठ की दहाई में मुख्तलफ़ के सेंटों और सीटों जो उनकी एंटी कॉम्युनिस्ट uh, को, इंटर कोलेशन थे इराख पैक्ट और ये वो उसमें उनको शामिल रखना उनके भी हक़ में था और उनके हमारे सदर वहाँ चले जाते थे उनके सदर आ जाते थे तो इस तरह से वीवर इन द इन दैट एंटी कम्युनिस्ट थिंग तो लेकिन यह कि जद्दोजहद तो होती थी और असल जो उसकी जो सबसे ज़्यादा उसकी नुमाया शक्ल है वो हमें साठ की दहाई के आखिर में मिलता है अगेंस्ट अयूब खान देन वी रियली सी टुगेदर ऑफ़ वर्कर्स पेजेंट्स And students the middle class against के खिलाफ और फिर वो उसकी ज़्ण 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 जो है वो बढ़ती भी है और उसमें जो है वो जो तीन चार चीज़ेंट इन साहब ने वो सोवियत like uh, किया मैंने एक पॉडकास्ट में बोल दिया था कि हमने ओवर सेल किया कि सोवियट यूनियन वॉम वाटर में बड़ा इंटरेस्टेड है जिसका आपको टेंजल नहीं मिलता

सोवियत सोवियन के साथ अच्छा रिश्ता था के नेहरू बहुत ही दूरंदेश लीडर थे उनकी बहुत सारी ख़ामियाँ थी लेकिन इसमें यह किया उन्होंने, खासतौर पे उन्होंने पचास की दिहाई में सोचा कि हमारे यहाँ कुछ बहुत मुस्ंद की आ, हायर सेकेंडरी एजुकेशन हो यूनिवर्सिटीज़ हो, तो उन्होंने सबकी मदद ली उन्होंने रूस से भी कहा कि आप ये यूनिवर्सिटी बना दीजिए या टेक्निकल कॉलेज बना दीजिए जर्मन से यह कहा बरतानिया से यह कहा इंडस्ट्रीज के हवाले से भी उन्होंने मदद ली तो वो सबसे एक नॉन अलाइंट का जो उनका सिलसिला था लेकिन रूस से एक खास रिश्ता था उन लोगों का और पाकिस्तान में भी हमारा जो है वो पचास की दिहाई में तो शायद नौ और साठ की दिहाई में तो अयूब खान के हवाले से ज्यादा नहीं था लेकिन जब भुट्टो साहब आए तो उन्होंने खासा एक उस चीज़ को इस्तवार करने की कोशिश की और इतना भी था हमारा कि देखिए पैंसठ के जंग के बाद सोवियत यूनियन वाज द मेडिएटर ताशकंद में जो हुआ वो सोवियत यूनियन ने ही हमारे मेडिएट की थी उसमें लेकिन भुट्टो साहब ने पे स्टील मिल राइट ये सारा रूसी इमदाद से बनाना और और भी चीज़ें जो हैं उन्होंने फिर कहा उनको ये बात समझ आ रही थी और पाकिस्तान की भी एक नॉन अलाइंट तरीके से बात चलने की कोशिश हुई थी तो आई डोंट थिंक कि रशिया वॉन्ट कोई इस तरह से हमारे आई एम नॉट श्योर कि सोवियत यूनियन का रशिया नहीं कहना चाहिए सोवियत यूनियन के कुछ इस तरह से वो थे लेकिन वाहिर सी बात है स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस का वो कोल्ड वॉर में तो रहता था दोस्त कि अगर अमेरिकन कहीं हैं तो हम भी होंगे लेकिन उनकी प्रेजेंस थी सकाफती तौर पर हर शहर में कम अज़ कम कराची के अंदर एक फ्रेंडशिप हाउस था जैसे कि उनका आज भी है मेरा फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप हाउस हाउस नहीं नहीं, बन बन नहीं जो है। क्या है जो वो होता था अब उनका यहाँ वो बहुत अरसा हुआ अब रशियंस ने उस तरह से रखे हैं सोवियत यूनियन के फ्रेंडशिप हाउस था और स्टैंडर्ड बुक पब्लिशिंग थी जहाँ पर आपके रियो सिनेमा के बिल्कुल सामने जहाँ पैनोरामा सेंटर है उसके साथ ये यानी कि जिसे हम उस अब अफ जैबिनी के है ना, रियो सिनेमा होता था उसके बिल्कुल सामने और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी उनके पास जो है यू आई एस की लाइब्रेरी होती थी ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी थी तो ये सारी चीज़ें तो मौजूद थी हाँ इसमें आपने ज़िक्र किया कि कम्युनिस्ट पार्टी बैन हो जाती है 1954 में जब ईस्ट पाकिस्तान लजिसलेटिव असम्बली डिजॉल्व होती है साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी बैन हो जाती है शायद जो जिसका जिक्र ज़्यादा नहीं किया जाता कि आज बी मूवमेंट में भी कहा जाता है यू नो वोट विथ योर वॉलेट तो आज भी जब हम देखते हैं कि इवन अगर कोई पॉपुलर सपोर्ट है किसी पार्टी का अगर फिकार भुडो को लटका दिया जाता है नवाशे को जेल भेज दिया जाता है इमरान खान अरेस्ट हो जाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट और पीपल विद मनी दे डोंट चेंज देर लाइफ डोंट चेंज तो ये जो शुरू का नेक्सिस बन गया था आपने किताब में मेरे ख़्याल से आदम जी दाऊद वाले का और एक और नाम लिया है इज़ इट देंथ ऑफ दैट बेस्ड ऑन विच मे बी आर पावर दैट बी कि हमें ज़रूरत नहीं है डेमोक्रेसी की और जहाँ पर भी एक पॉपुलर या एक सपोर्ट हो या एक पोलिटिकल पार्टी हो या एक लेजिटिव असम्बली हो इसको हम बैन कर सकते हैं बंद कर सकते हैं मुल्क को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा हाँ देखिए ना सारी देखिए आप पचास की दिहाई में देखिए कि वहाँ तो और ये हमारी अपनी जो आ, कौमी लीडरशिप थी उस, उसकी उसकी इंटेलेक्चुअल बैंक करपसी दिखाती है ना कि जब सन जब याक़त अली ख़ान का इंतकाल होता है तो खाजन नाजमुद्दीन आते हैं और फिर जो है वो गुलाम मोहम्मद उनको हटा के बन जाते हैं फिर वो बोगरा आ जाते हैं फिर चौधरी मोहम्मद अली आ जाते हैं उसके बाद ये सिकंदर मिर्ज़ा आते हैं सिकंदर मिर्जा सदर बन जाते हैं छप्पन में फिर सरवर्दी आते हैं फिरोज़ कानून है आई चंद्रीकर यानी कि मतलब जितने साल नहीं हैं उतने उससे ज़्यादा हमारे वज़ी अज़म हैं और मुख्तलफ़ुम के छप्पन में जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो भी बड़ा कंटेशस होता है और सारा कुछ और फिर सिकंदर मिर्ज़ा जो है, वो हैं वो इलेक्शन नहीं करवाते और अयूब खान आते हैं आई थिंक बाय दैट टाइम अयूब खान अरसे में डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं एंड सर्विंग जनरल भी रहते हैं राइट गेटिंग एक्सटेंशंस आफ्टर एक्सटेंशंस फ्रॉम द पॉलिटिकल क्लास ग्रेसी के बाद वो पहले बनते हैं जनरल हमारे और वो फ, 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 जो हेड ऑफ आर्मी बनते हैं कमांडर इन चीफ बनते हैं बट ही इज आल्सो डिफेंस मिनिस्टर एंड ही स्टेज़ एंड बाई दैट टाइम आई थिंक पीपल रियलाइज़ कि ये हम ही ठीक करेंगे क्योंकि हम सबसे मुनम सियासी जमात हैं तो <laughs> तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अच्छा फिर भी लचटी का मसला था तो उन्होंने वो कंट्रोल डेमोक्रेसी का सारा ढकोसला शुरू किया बेसिक डेमोक्रेसी वगैरह का लेकिन आपकी बात दुरुस्त है उनका फिर ये आर्गूमेंट था जाहिर सी बात है उनके जो अपने लोग थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे कि भाई हम ये एक डेकेड ऑफ डेवलपमेंट पहले तो नहीं सोचा होगा लेकिन ये क्या कि हम अगर चीज़ों पे कंट्रोल रहें और मरात दें मुख्तलफ फैमिलीज़ को तो फिर ये होगा कि इंडस्ट्राइजेशन होगी वो ट्रिकल डाउन कैपिटलिस्ट वो होगा और फिर लोगों और हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे सड़कें बनाएंगे ये होगा वो होगा उसमें अच्छे काम भी हुए मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेकिन बुनियादी तौर पे देखो मेरी तो ये ख्याल है लोगों की और राय होगी फॉर इवन फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इट्स ईजियर टू मैनेज ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्योंकि आपको एक शख्स से बात करनी होती है पूरी पार्लियामान से बात करने हो और पार्लियामान में मुख्तलिफ तंजीमों की जो अपनी फैक्शन है उनसे बात कर रहे हो सब मैसी डेमोक्रेसी इज़ ए मैसी इशो तो जिस तरह से जो बैन अवी सियासत के अंदर अयूब ख़ान को जो रोल प्ले करना था वो तो एक बात थी और फलूब ख़ान और उनके साथियों को जो रोल प्ले करना था वो एक अलहदा बात थी तो ब्यूरोसी जो बाद में हमज़ा अलवी ने जो लिखा थर्ड वर्ल्ड स्टेट के हवाले से वही था कि एक ट्रापैटाइट सिलसिला था कि जिसमें फौज और हमारी नौकरशाही और हमारी अलीट बराबर की शामिल थी और उसमें शादियां भी हुई उसमें सब कुछ हुआ और इसीलिए जो है वो जब आप अठहत्तर तक पहुँचते हैं उनहत्तर तक अड़सठ और, और उनहतर तक पहुँचते हैं सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन तक पहुँचते हैं तो वो सारी बात हो जाती है कि बाईस ख़ानदान है बाईस खानदान वो जो ट्रिकल डाउन होना था वो भी नहीं हुआ और पैंसठ के बाद तो वो चीज़ें भी फ्लाउंटर करने लगी तो, हाँ। से सवाल है अगर शरारत की इजाज़त हो आ, मेरे बिल्कुल आपने आपने <laughs> आपका है और आप जो है वो शरारत की है, लाल कुछ क्लासिक है, वो तो यही चाहते हैं मास इंडस्ट्रियलाइजेशन हो फैक्ट्रिया लगें लोग फैक्ट्री में जाएं और इसी तरह कौम की तरक्की है तो अयूब खान तो उनके लिए ठीक होना चाहिए एक एक पस मंज़र ये भी था और ये एक सोवियत कुछ सोवियत लोगों का ये भी था कि और उनको वो डेमोक्रेसी ही कहते थे और कहते थे हमारे कॉम्यूनज़ हैं या मुख्तम के हमारे यहाँ जो पोलिटिक वो जो रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है वो ये देखिए फ़र्क वहाँ ये था जो भी हम तनकीद कर सकते हैं सोवियत मॉडल की और वह सारी कुछ और हम लिबरल डेमोक्रेसी की तारीफ़ करते हैं फ़र्क ये था के लोगों के अंदर होंगी द जो 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 कौमी सरमाया था ना वो किसी एक शख्स या कुछ अशखास की मिलकियत नहीं थी मिलकियत जो थी वो हकूमत की थी या रियासत की थी लेकिन वो कोई इनफरादी तौर पर हो सकता है लोगों ने रिश्वत ली हो ये लिया हो लेकिन इनफरादी तौर पर सिस्टम जो अलाउ नहीं करता था कि कोई जो है वो Uh, उस सारी चीज़ों का फायदा उठाए यहाँ यह था कि यहाँ पर जो है ना वो निजी मिल्कियत का जो मसला था ना देट इज़रेंस बिटवीन दैपट सिस्टम बट इवन सोवियत नहीं स्टेट कैपिटलिज्म का मसला अलग था देखिए ना स्टेट स्टेट ने लिया सरप्लस और फिर एक आपको दिया और आपको बहुत ही रियायती हवाले से दिया हुँ. और आपको कहा कि आप इंडस्ट्री लगाएं क्योंकि स्टेट खुद नहीं काम कर सकती है तो आप लगाएं और आप उसे मुनाफा कमाएं और फिर आप लोगों को नौकरी दें और नौकरी के जरिए लोगों को तनख्वाहें मिलेंगी वहां पर यहाँ सेंट्रलाइजाकॉनमी थी और उसके जरिए अब उन्होंने गलत फ़ैसले भी किए कलेक्टिवाइजेशन के गलत होंगे या जहाँ इंडस्ट्रलाइज़ किया वो गलत है या कॉम्पटिशन नहीं दिया या ये बात कहनी हो सकती है कि शायद लोग अगर इंडिविजुअल कॉम्पटिशन होता है तो एक ज़्यादा अच्छी इकॉनमी होती है आई एम नॉट सेइंग दैट इट वाज अ परफेक्ट सिस्टम और दैट एवरीथिंग दे डिड वाज राइट बट आई डोंट थिंक देट वाज अ नोशन ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड वेल्थ और प्राइवेट वेल्थ प्राइवेट प्रॉपर्टी का है ना वो किसी हद तक अब वो हो सकता है कि हम मिक्सड मैं तो उस हिसाब से बात कर रहा हूँ जो मेरी अपनी तरजीह है वो तो अलग बात जो इस चीज़ को मैं तरजीह करता हूँ इस वक्त hmm. वो तो अलग बात है लेकिन जो एक क्लासिकल मार्क क्लासिकल मार्क्सर नहीं कि एक सोवियत सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की जो आप बात करें जो बड़ा सेंट्रलाइज हाइपर सेंट्रलाइज सिलसिला होता था जिसमें जो है वो एक सेंट्रल प्लानिंग के जरिए और फाइव ईयर प्लान के जरिए जो है वो प्रायोरटाइज़ uh, किए जा तरजीहत दी जाती थी, थी कि अब हम इसमें कर लेंगे उसमें करेंगे दूसरी बात यह कि देर वज हम कुछ कमिटमेंट्स थी उस माशरे में वो वो कमिटमेंट्स थी कि तालीम आम और मुफ्त होनी चाहिए लोगों को जो है वो सेहत सेहत आमा की तरफ एक वो सिलसिला था लोगों की नौकरियों की तरफ था लोगों को घर के हवाले से था तो एक ये भी रुझान था कि ग़ुरबत कम की जाए अब चीन में वो बहुत दिन लगे उस चीज़ को और मुख्तलिफ था लेकिन ये कि ये भी था कि लोगों की जो पसमानदगी है या उनके जो माशी मसाइल हैं उनको किस तरह से हल किया जाए गो के सभी गरीब थे वो ठीक है लेकिन यह कि कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था तो ये भी एक कमिटमेंट थी उनकी हाँ तो पाकिस्तान में जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है वो रोजीटा की भी एक किताब आई है उसमें तो सेवनटी वन में आपने जिस तरह आदम जी जूट मिल का जिक्र किया ईस्ट पाकिस्तान में तो एक जो क्लास है उसकी वेल्थ थी उसकी ओनरशिप थी उनकी फैक्ट्रीज थी इस पाकिस्तान से जो एक एक्सट्रैक्टिव मॉडल पे ही चल रही थी उनको बहुत पैसा आ रहा था तो फिर वो जब 71 हुआ उसके बाद नेशनलाइजेशन हो गई वो कितना बड़ा फैक्टर है इन सॉर्ट ऑफ द महाजर आइडेंटिटी बिकमिंग अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी बिकॉज अ सर्टेन क्लास ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट थॉट दैट वेल्थ हैज बीन स्टोलन फ्रॉम देम फर्स्ट इन सेवेंटी वन एंड देन थ्रू नेशनलाइजेशन नहीं सेवनटी वन में तो खैर वो इसलिए हुआ कि वो मुल्क हो गया ना तो वो जो कुछ भी लॉस्ट फैक्ट्रीज हाँ दाऊद थे आदमजीज थे बहुत सारे लोग थे इस वहानीज को इतना नुकसान नहीं है उनकी उनकी जूठ मिल चली गई होगी लेकिन आई डोंट नो उनपन बट उनके टी गार्डन रहे उन्होंने कुछ लोगों ने अकोमोडेट भी कर लिया हाँ फैक्ट्री बहुत सारे बड़े फैक्ट्रिया छोटे लोगों का जूत लेदर का कारोबार था बहुत सारी चीज़ें लोगों को नुकसान हुआ एंड आदमजीज आई डोंट नो बट रिकवर फ्राम देट उनका आदम जी अच्छा हाँ फिर ये हुआ कि उनके पास एम सी बी उनका था आदम जी इंश्योरेंस उनका था ये सब बैंक और इंश्योरेंस का भी नेशनलाइज हुए उससे भी नुकसान हुआ हबीब्स का भी हुआ वो खैर ही इस पाकिस्तान देवर कराची बेस्ड थिंग फिर यू बी एल था लोगों का तो बैंक जो नेशलाइज हुए और शिपिंग कारपोरेशन नेशनलाइज हुई कावस जीज की थी आई थिंक इस्लाम हाँ काविर थे ना जो जी बार में वो उनकी शिपिंग कंपनी का नहीं हाँ उनकी शिपिंग कंपनी थी समथिंग समथिंग कंपनी पाक और बहुत लोगों का तो वो हुआ और उसका जो है और वो भुट्टो की एक फेस था और उसके जो इर्द गिर्द उनके शायद मुबशर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका था कि ये जो है नेशनल वेल्थ में आएगा इन लोगों ने बहुत जो है वो कमा लिया है और ये सारी चीज़ें और इसके से जो सरप्लस होगा उससे हम तरक्याती मनसूबात करेंगे वही एक तरह का उसका फ़ायदा भी हुआ नुकसान भी हुआ फ़ायदा तो ये हुआ चलिए वक्ती तौर पे आपके पास जो है क्योंकि हमारे पास तो पैसा ही नहीं था ना बिल्कुल हमारे मुल्क जो है वो एक हिस्सा आज़ाद हो चुका था और फिर बहुत सारे जरा मवाद लगा मसला तो एक तरह से वक्ती तौर पे वो हुआ फ़ायदा हुआ होगा लेकिन उसको जिस तरह से इन्होंने चलाया वो ये हुआ कि यू बेसिकली क्रिएटेड अ होल ब्यूरोटिक ग्रूप डेट रैन राइट और जिनके ऊपर वो जो कैपिटलिस्ट थे जो भी मसला था उनके इंसेंटिव थे नहीं थे लेकिन उनके मेरे ख्याल में मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ उससे नुकसान भी हुआ क्योंकि वो बोरोक्रटाइजेशन की वजह से करप्शन भी आई होगी फिर इन्होंने भर्तियाँ शुरू की लेबर का जब इनके बहत्तर में स्ट्राइक व्राइक हुआ उनको थोड़ा सा उससे धचका पड़ा लाया अपने भुट्टो साहब को तो इन्होंने कहा कि यह तरीका यह है कि हम जो है वो एक तरह से पॉपुलिस्ट हवाले से उन्होंने बहुत सारे एक तो लेबर लीडरशिप को करप्ट की किसी को एम्बेसडरशिप नहीं तो लेबर अटैचि बना के भेज दिया ये कर दिया वो कर दिया फिर एक उन्होंने कोशिश की कि भाई ये दुबई वगैरह खुल रहा था बहुत लोगों को वहाँ से बातचीत करके वो बहुत सारे लोग वहाँ चले गए क्योंकि जरा माश का मसला था लेकिन बहुत सारे लोगों को ज़्यादा भर्तियाँ देनी जो कि फिर ये इनके लिए एक वोट बैंक बन सके तो उन्होंने वो लेबर पॉलिटिक्स को यूनियन को भी थोड़ा भुटो साहब ने नुकसान पहुंचाया इस तरह से यू नो आप आ, जो जिससे जो है वो इंडस्ट्रीज को भी नुकसान हुआ क्योंकि अगर इतने लोग पेरोल पे हैं जितनी ज़रूरत नहीं है लेकिन वो इसलिए था कि आपकी अपनी पीपल्स पार्टी की यूनियन वहाँ जीते और वो सारा सिलसिला तो इट हैड अ हैड्ड रिजल्ट आई थिंक दैट हैड अ रिजल्ट एंड मतलब गुड उन्होंने एजुकेशन को भी जो है स्कूलों को भी नेशनलाइज किया लेकिन जो चीदा चीदा एच एस एन को नहीं किया ग्रामर स्कूल को नहीं किया लेकिन बहुत सारे स्कूलों को उन्होंने नैशलाइज कर दिया फिर वहाँ पर लोगों की लोगों को रसाई तो हो गई सस्ते उस पर स्कूलों की लेकिन उनके स्टैंडर्ड्स क्या थे तो हाँ। भुट्टो जो एक मूवमेंट है एज़िकार्लेड मे बी वो मूवमेंट भी थोड़ी प्ले हो जाती है कि, कि किस तरह पूरा लेफ्ट को लेट हुआ था अराउंडिकाराइड और वट डिंकारैट अबेंडन लेफ्ट प्रिंसपल जिसकी वजह से उनके जो लेफ्ट के साथी भी थे उन्होंने भी छोड़ दिया या क्या वो अलग सकते बात तो सही है कि भुट्टो साहब जो है कराची शहर में जो है वो उन्होंने खास तौर पे कराची के कुछ जो एनएसएफ के लोग थे और जो माओस्ट कम्युनिस्ट ग्रुप्स थे उनके साथ उन्होंने कॉलेशन किया और आगे बढ़े फिर उनकी अपनी एक शोहरत थी मिडिल क्लास में तलबा में मज़दूर में फिर किस, आ, किसानों में वो एक बनी और उनमें लेफ़्ट ने खासा हिस्सा दिया जब अयूब खान का 68, 69 का हुआ, ही सिक्सटी अ का लीडर प्रोग्रेसिव इंटेंशन थे उन्होंने सब कुछ किया आई थिंक 70 तक जो है वो साथ चले बल्कि भट्टो साहब मेरा, मेरी जो अपनी तहक़ीक़ है उस हिसाब से वो बे माजू के लोगों को न, आ, सीट भी देने पर तैयार थे आला में हालां में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी सत्तर में उसमें उन्होंने बुनियादी तौर पे कहा था और अच्छी खासी भी कुछ लोग कहते हैं पंद्रह कुछ कहते हैं बीस लेकिन सीट देने को तैयार थी जो बाएँ बाज़ू की तंजीमें उनके साथ थीं जो कि ज़्यादातर प्रोमायुस थी उन्होंने उस वक्त इनकार किया और अगर वो दे देते तो शायद और लोग पार्लियामेंट में होते मिराज साहब जो है वो इलेक्टेड नहीं थे वो जीत जाते शायद लालू खेस से प्रोफेसर गफूर के खिलाफ ये सब स्पेकुलेशंस हैं लेकिन बाद में जब लेफ्ट ने हड़तालें की और इनके अपने जो कार्डर्स थे या अपने नज़दीकी लोग थे चाहे वो आ, मिराज साहब हों चाहे वो खुर्शीद हसन मीर हों चाहे वो हनीफ रामे हों चाहे वो जय रहीम हों जब उन्होंने इनको थोड़ा पुशबैक किया इन टर्म्स ऑफ बीइंग मोर डेमोक्रेटिक बीइंग मोर इंक्लूसिव क्योंकि इनका तिहत्तर की uh, आ, तिहत्तर की जो आइन था उसमें तो एक कंसेंसस था लेकिन उसके फ़ौर बाद बलूचिस्तान के अंदर जो फ़ौज कशी हुई फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह से नैब के पीछे ये गए जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स तोड़ी गई फिर नैब के पीछे गए फिर वो सारा हैदराबाद कॉन्सप्रेसी केस और भी वजूहत हुई होंगी और जिस तरह से वो अपने जो अपोजिशन थे उनके खिलाफ ख़ासतौर पर जमात इस्लामी पर ख़ासा जबर हुआ तो और मुख्तलिफ़ु के डोनियन लॉ और जो अमेंडमेंट्स हुई तो उस पर एक लोगों ने जब इतराज़ किया तो उनको पुश बैक हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि इन लोगों पर फिर इन्होंने भी उन उनपे जबर किया और तशद्द किए खासतौर पर बेहतर की तहरीक या तिहत्तर में बलोचिस्तान में वो सारा कुछ तो फिर आई थिंक आई थिंक आई डोंट नो वो थोड़ा बदजन हो गए या उन्होंने कहा कि मुझे और कॉन्स्टिट्यूंसिस ढूंढनी पड़ेंगी क्योंकि अगर अल्दा इलेक्शन हुआ तो शायद ये लोग हमारे साथ ना चलें तो उन्होंने थोड़ा सा उन लोगों को जो कोट एंड कोट इलेक्टेबल्स को साथ रखने की कोशिश की और जो सतर का इलेक्शन था उसमें उन्होंने कोशिश यही की कि थोड़ा सा इलेक्शन से पहले उन्होंने शराब बैन कर दी या जुमे का ये ज्यादा नहीं, नहीं कराया था ये उन्होंने किया था जुमे की छुट्टी कर दी इतवार के, के बजाय कि वो थोड़ा सा उनका ख्याल था कि अगर हम इस्लाम देंगे तो फिर ये जो है वो ये समझे कि जो क्योंकि कुछ अपोजिशन ऐसी बातें इस्लामिक पार्टियों से भी आ रही थी जो कि बाद में इकट्ठे होकर पी एन ए के हवाले से बनी तो आई थिंक इट वॉज हिज रीडिंग मे हैव कोट कोट एंड आई मीन ही वो थोड़ा सा उनमें जो है ना वो इन सब में हो जाता है मेरे ख्याल नॉन डेमोक्रेटिक एलिमेंट था वही वाली बात है ना कि अगर लोगों को साथ लेके चलना है तो थोड़ा सा आपको अपनी अना को मारना पड़ता है थोड़ा सा गिव एंड टेक करना पड़ता है वो शायद उसके लिए उस वक्त तैयार नहीं थे या उनके गिर जो लोग थे वो कहते कि सर हम आप ही आप हैं I think वो आप ही आप हैं या हम कर लेंगे कोई फ़र्क नहीं, नहीं।, नहीं पड़ता है लेकिन उनको नहीं पता था कि किस किस्म की जो है वह सियातें जो हैं वो उनके गिरद मन ला रही थी और उन्होंने तिहत्तर में जो बर, बंगलादेश वह बलूचिस्तान में किया मेरी ये राय है औरों की उससे जो है वो एक ऐसी क़वत जो कि बांग्लादेश में थोड़ा पीछे हटी थी यानी कि जो फ़ौज है उसको फिर से उसने एक सहारा दिया और उनकी एक रिस्टोर की और वो क़वतें उनके गिर्द मंडला रही थी लेकिन वो इन चीज़ को नहीं समझ सके जैसे कि अक्सर लोग नहीं करते हैं, हमारे अभी भी एक पॉपुलर लीडर हैं उनतों को नहीं समझ सके तो कोई कोई नहीं समझ सकता अगर हम लेफ्ट के रोल पे थोड़ा पीछे जाएं उस वक्त थोड़ा साइड स्टेप हो गया था राहुल पिंडी कंस्परिसी केस आपने कहा आप वो थी नहीं थी इस पर बड़ी राय है लोगों की कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं स्टॉम एंड टीका कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं नहीं कुछ तो था एक लिस्ट भी थी मीटिंग्स भी हुई थी या वो जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं वो आ, आर्मी वालों के बातों में आ गए फंस गए या एक किल लिस्ट भी थी कि अच्छा इंजिन को मारना है आपकी क्या राय है कि स्टॉम एन ए भी था या नहीं एक मुनज़म प्लान तो था देखिए मैं ये मेरी किताब में है इस किताब में तो नहीं है लेकिन और दूसरी जो पहली जो सलाम जिसका आपने जिक्र किया कॉम्यूनिज़म इन पाकिस्तान वाली जो किताब है उसमें मैंने किया और मैंने मुख्तलफ़ राय जो है रखी है मख्तल पहलू रखे हैं मुख्तलफ़ लोगों के बातों की तज़्जिया किया है जो उस वक्त हयात थे जो शामिल थे जो नई थे जो अखबार में हैं या जो अमेरिका या बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज का तज्जिया था जो इस तरह से सब चीज़ रखी है देखिए जो कुछ हुआ वो यूं था देखिए बात ये है कि बात तो हो रही थी कुछ ना कुछ और जो फ़ौज के अंदर मेजर जनरल अकबर ख़ान और उनके जो साथी थे वो जो हैं वो थोड़ा सा चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो चाहे वो उनकी अपनी एक एडवेंचरिज्म बोनोपाटिज़म हो जो भी वजह थी Uh, क्योंकि वो ख़ासे मकबूल हो गए थे मे जनरल अकबर ख़ान कश्मीर के uh, जंग के दौरान और फिर उनको कहा गया था ये तो मैं आर्काइज के हवाले से कहा जा रहा हूँ कि उनको जनरल ग्रेसी ने कहा था ऐब खान को कि इसको नज़दीक रखो तो सेकेंड यू you नो know, उनको मेजर जनरल थे वो और उनको जी एच क्यू में कि इसको नज़दीक रखो ये थोड़ा सा वॉलेटाइल सा है और ये गप्पे छप्पे मारता है क्योंकि इंटेलिजेंस तो होती थी उनके पास तो ये हो सकता है कि उन लोगों ने सोचा हो और फिर कि हाँ ये बात हो सकती है कि भाई अली खान पिंडी आएंगे तो उनको ये कर देना है फला कर देना जो भी है एक उनका था अच्छा मुझे जो सबसे ज़्यादा अब वो बाएँ बाजू वाले कहते हैं कि तय हुआ नहीं हुआ और हम वहाँ पर जो है वो जब फ़रवरी में मिल मिले मेजर जनरल अकबर के घर ये सब लोग और जिसमें मोहम्मद अता और फैज़ अहमद फैज़ और सज्जा ज़हीर शामिल थे अच्छा फैज़ साहब के ऊपर फैज़ एक रबता भी थे जनरल अकबर के साथ क्योंकि वो सहाफ़ी थे और उनको एक दो दफ़ा कश्मीर फ्रंट पे भी गए थे और उनके घर से उनके घरेलू ताल्लुकात थे और एक दो साल से ये बातें आगे पीछे हु नोस राइट किसने किसको क्या कहा हालांकि फैज़ कभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के हार्ट के, कैरिंग मेम्बर नहीं थे ट्रेड यूनियन में थे और उनको इस तरह से ट्रेड यूनियन के अहदेदार भी थे लेकिन ही वॉजन कार्ड कैरिंग मेम्बर बट ये के ताल्लुकात थे और बल्कि अगर अमरीकन आर्काइव्स को उनके यू एस पोलिटिकल टेलीग्राम जो भेजते थे यहाँ से एम्बसीज़ में देखा जाए तो वो यही कहते थे कि इस वक्त जो सबसे जहीन आदमी है बाएँ बाजू में वो फैज़ है एंड यू नो बट आई एम नॉन्ट वीड रिस्पेक्ट इवन फ्रामवर्सरीज लेकिन सज्जा जहीर साहब का जो भी उस वक्त फैसला था और फिर ये भी है कि मीटिंग हुई उसमें लोगों ने कुछ लोग कहते हैं कि फैसला था कि चलना चाहिए कुछ लोगों का फैसला था जो भी एक हंगामी मीटिंग मंगाई गई ये सारी चीज़ें लोगों ने अपनी सवान उमरी में लिखा है या मुख्तलिफ तरीके से डॉक्यूमेंट हैं मुझे इस बात का यह है कि अगर एक इनकलाबी जमात थी तो इनकलाब जो है वो मिलिट्री पुश से नहीं आता है वो लोगों को मनज़म करके और अपना आवाम में और मेहनत कशों में काम करके और उनकी क़वत पे आता है अब ये जो मॉडल था कि हम जो है एक फौजी कु को सपोर्ट कर कर और फिर हमारे ऊपर तशद नहीं हो हालाँकि नहीं थे लेकिन इनके ऊपर दबाव था इनकी पब्लिकेशंस बैन हो जाती थी इनके लोग उठा लिए जाते थे इनको अंडरग्राउंड काम कर छुपरा रहना पड़ता था इनके पीछे सी आई डी लगी रहती ये ख़त्म हो जाएगा फिर हमें जो है जरा अब्लाग में हमारे नुक़त नज़र आ जाएगी तो बुनियादी तौर पर इस बुनियाद पर कि हमें एक स्पेस मिल जाएगी अपने काम करने की आप अगर अग्री भी नहीं किया था लेकिन आप गुफ्तू कर रहे थे अब कॉन्स्परिसी थी या नहीं थी फैसला हुआ था नहीं हुआ था मेरी तो यह है कि आपको उनसे इस तरह की गुफ्तु करने की ज़रूरत क्या थी तो वो एक नुक़ नसर और एक मुस्तबिल के बारे में एक आपका एक रवैया पता चलता है ना कि आप किस तरह से तब्दीली की तरफ जा रहे थे आप अगर एक जैसे कहना चाहिए एक, एक जो, जो, जो जो गवर्नेंस का तरीका था उसमें तब्दीली ढूंढ रहे थे तो अगर अगर जो क्लासिकल मेथड तो ये होता कि अवाम के ज़ोर पे आप लाते और लेकिन आपने एक कोट एंड कोट लोग बुरा मानेंगे एक शॉर्ट कट देखा अब उसमें आखिरी मीटिंग में ये तय हुआ था कि जाएंगे या हम कॉम्यनिस्ट कार्डर्स ने कहा था कि भाई ये हम नहीं जाएंगे ये एक अलग मसला और मैं तो था मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है लेकिन मेरा जो तनकीद वह यह है कि आपको शुरू ही से इस गुफगु में नहीं पढ़ना चाहिए था क्योंकि दैट अ अगर आई नो दरिया कूजे में बंद करने वाली बात होगी लेकिन उस मोमेंट से आज तक अगर हम देखें लेफ्ट का जो रोल श्रिंक हुआ है ऑब्वियसली वो पी 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 एजुलफर भुट्टो के टाइम पर एक नुमाया हुआ पर फिर हक आ गए तो फिर वो और श्रिंक हो the गया power. थोड़ा एम आर डी मूवमेंट में भी लेफ्ट की इन्वॉलमेंट थी hmm. तो ये जो श्रिंकिंग स्पेस है

टबैको की स्ट्राइक हुई चीज़ें होती रहती थी लेकिन वो सिक्सटी एट में जो है सिक्सटी नाइन में अयूब खान के ख़िलाफ़ वो एक लावा फटा और बहुत घेराव जलाओ और ये सारी चीज़ें और लोगों का यही वो था कि अब अब जो है ये वो वक्त है जो आ गया है बाद लोगों का ये भी तज्जिया था इकहत्तर के हवाले से भुट्टो ने उस सारी चीज़ों को वो जो एक जो लोगों के इकहत्तर में बांग्लादेश का आज़ाद होना और उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से बेहतर के अंदर जो है वो कराची के अंदर एक पूरी मजदूर तहरीक हुई लांड पहले साइट में फिर लांडी में तो आई थिंक भुट्टो ने फिर कहा कि ये तो चीज़ें जो है ना उसको स्टेट को कंसोलिडेट करना था तो उसने एक उन चीज़ों को दबाया ज़ोर से दबाया और फिर उसको जो है कंसोलिडेट के फिर बाद में कोट लखपत वगैरह में लाहौर में भी हुई और फिर वहाँ पर हशनगर में भी चीज़ें हुई जो कि एम के पी वग़ैरह कर रही थी तो आई थिंक भुट्टो ऑल्सो कंसोलिडेट द स्टेट स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद इट्स वायलेंस ऑफ वायलेंस तो वो तो एक बात थी और वो फिर तरीका जो है वो मुख्तलि जैसे एम आर डी की मूवमेंट हुई ज़िया साहब ने दबाया और उसके बाद जो है वो इन चीज़ों को तंजीमी तौर पर बहुत सारी चीज़ों को अस्सी की अभी तारीख जो है वो बाएं बाजू की लिखी नहीं गई है और बैन आप नहीं <laughs> और लिखेंगे लोग जो उसमें शामिल थे लेकिन बैन अवी तौर पर भी दोस्त अगर आप देखें बाई द दे लेट एटीज़ ये जो सोवियत यूनियन के हवाले से और अर्ली नाइन्टीज़ तक जो है ना और फिर चीन का ख़ुद एक गोके कम्युनिस्ट पार्टी है लेकिन उनका जो एक लिबरल इकोमी के तरफ रुझान रहा तो बहुत सारी डिसलूशमेंट भी हुई और चीज़ें जो हैं वो रिकनफिगर की गई तो तारीख़ी पसम इस किताब के हवाले से अगर आप देखिए माफ़ कीजिएगा ये थोड़ी सी मुख्तलफ़ बात हो जाएगी लेकिन अगर बाएँ बाज़ू की तारीख़ के हवाले से या जदोजहद की तारीख़ के पिछले दो तीन सदियों में देखिए तो जो उन्नीसवीं सदी का शुरू है वो इंस्पायर्ड है फ्रांसीसी फ्रांसीसीकलाब से डेमोक्रेसी फ्रेटर्निटी इंडियन लिबर्टी एंड ऑल दैट राइट। एंड यू नो एक यू नो और जो बीसवीं सदी का शुरू है वो है इंस्पायर्ड सोवियत इनकलाब से एक पूरे सदी पे असर पड़ता है ना लोग ने 20 और 30 की दहाई में जहाँ उनके पास नवाबादिया निज़ामिया कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जद्दोजहद की वहाँ वो आ, जो है वो बुनियादी तौर पे एक प्रोलतारियनलाब के लिए भी या असली इनकलाब के लिए भी कर रहे थे हमारे पास अब वो कहानी नहीं है इक्कीसवीं सदी के शुरू में और जो है भी लेफ्ट मेलन कोलिया के हम सोवियत से तो अच्छा था ये था वो था वो है हमने ये बात इसीलिए ये तारीख लिख रहे हैं कि जो है माजी जो है वो, वो डेड नहीं होता मरता नहीं है लेकिन उसी के रोइंस में से हमें इंस्परेशन मिलती हैं तो इन चीज़ों को लिखने का वजह भी यह है कि हम जो मुस्कबिल के वो शायद वो टीलॉस ना हो कि भाई पहले आप ये होगा ये होगा लेकिन जो भी Uh, मुस्कबिल होगा उसके लिए जद्दोजहद जो पिछली जद्दोजहद है उससे हम सबक तो सीख सकते हैं वो अभी इट्स नॉट इंटायरली डेड और जो हमारा हाल है वो उसके एक डायलॉग में है जैसे मैं हूँ चाहे वो मेमोरी के हालत में हो चाहे वो मेरे कंपार्टमेंट के हालत में हो चाहे वो मेरे आदात और आ, आ, के हवाले से हो वो चीज़ें हैं हमारे अंदर अब ये है कि उसको किस तरह से कॉन्शियसली इकट्ठा करना और सोचना कि क्योंकि देखिए जो भी कुछ हुआ है बहुत सारी बातें जो हैं जैसे इकतदी नाानसाफ़ी जो है या जैसे समाजी इंसाफ जो है ये सवाला तो अभी तक मौजूद हैं चाहे वो आप मार्क्सिज्म कहिए चाहे उसको जो भी नाम दीजिए जरूरी नहीं है कि उसको लेबल किया जाए लेकिन ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ये अब तक हमारे यहाँ हैं लेकिन इसको इसको अप्रोच करने का या इन मसाइल को हल करने का जो तरीक़ा है यह कोई मतलब सहीफ़े में नहीं लिखा है यह हमारे आपके तजुर्बात से या हमारे आपके काम करने ही से सामने आएंगे राइट okay. और इसीलिए अगर आप इसमें अनुशे और हसन अनुशे मलिक और हसन जावेद का पर्चा देखें तो उसमें उन्होंने कुट्टी साहब जो थे वो हमारे यहाँ बहुत अहम एह पॉलिटिकल वर्कर थे उन्होंने बिजनजो साहब के साथ भी काम किया उनकी तारीख को लेकर हमें बता रहे हैं बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से किस मौके पर क्या काम किया या आप आसिम सज्जात का इसमें पर्चा है मैं वापस आ रहा हूँ किताब पे उसमें उन्होंने दो मेहनत कश मज़दूर लीडरों के हवाले से देखा है कि उन्होंने किस तरह ज़िंदगी गुजारी और वो ना नामायू और वो मायूसी में नहीं है वो अभी तक जद्दोजहद कर रहे हैं लेकिन अपनी तनकीद भी है अपने माजी पर लेकिन उसको आगे भी लेके चल रहे हैं इसी तरह असद का जो पर्चा है इसमें वो भी एक अहाता करता है पीपल्स पार्टी के हवाले से कि किस तरह से सत्तर की दिहाई में लोग भुट्टो को देखते थे उसका जो एक अपना इंस्पिरेशन था इमोशनल अटैचमेंट था वो भुट्टो की एक शख्सियत नहीं थी बल्कि एक सोच के हवाले से जो कि आज़ादी की तरफ उनको ले जाती थी तो जहाँ मैंने आपको भुट्टो की तनकीद की वहाँ भुट्टो की अपनी शख्सियत और उसकी सियासत का एक बहुत गहरा असर है हमारे अवाम पे और हवा में कुचले हुए और निचले तबक़ात के अवाम पे कि उन उसमें उसको एक इंस्पिरेशन मिलता था एक अपने मुस्कबिल के रोशन रोशन का एक अलामत मिलती थी तो ये सब चीज़ें जो है ना लेकिन ये आपको किसी तारीख में नहीं मिलेगी इसलिए हमने ये किताब इकट्ठे की है और उसमें बहुत खामियां भी होंगी लोग लिखेंगे इसकी तनकीद होगी और जैसे मैंने कहा कि ये ए, हम जो भी कहें इसको इसमें नेशन स्टेट जरूर है वो उसके बाहर नहीं हो सकता लेकिन उसके अलावा भी हम नेशन स्टेट से हट के तारीख के हवाले से बात कर रहे हैं इसमें मेमरीज़ की बात करते हैं फॉरगॉटन हीरोज़ की बात करते हैं अगर आप बच्चों को बताएंगे कि अरत आपका हीरो है तो वो अरत बनना चाहेंगे जिस तरह आपने आजकल जिक्र होता है कि अनप्रेसिडेंटड हो रहा है जो हो रहा है शायद एक वजह उसकी ये भी है कि हमारे जो सिम्बल्स ऑफ रेजिस्टेंस हैं उनको नहीं बताया जाता भगत सिंह यहाँ जिए यहाँ फांसी हुई लेकिन वो इंडिया के हीरो हैं हम उनको हीरो नहीं मानते आपने हसन नासिर साहब का जिक्र किया उनकी कहानी बताना कितना ज़रूरी है समबड़ी हु टॉर्चर्ड इन द लाहौर फोर्ट तो प्लीज़ बताइए लोगों को अच्छा और फिर मैं आपसे इसी मौजू पे एक और बात भी करूँगा जो कि इस किताब में है देखिए हसन नासिर जो थे वो बड़े खाते पीते अच्छे घराने से थे उनके वाले डॉक्टर थे वो हैदराबाद से और बहुत नौजवान आए मेरे ख्याल अठारह उन्नीस साल की उम्र में वो पाकिस्तान आ गए चाहे उनको पार्टी ने भेजा था वो क्यों सियासत में आए इतनी नौजवानी में या वो आ, और वो आ गए हिंदुस्तान से और वो यहाँ काम करने लगे कराची में काम करने लगे और बड़ी और एक दफ़ा उनको जलावतनी भी हुई उनको वापस हिंदुस्तान भेज दिया गया तिरपन चौवन चव, चव, में जब और उन वहाँ वो एक साल रहे और फिर वो वापस आ गए और जब उनसे पूछा गया और वो मैंने आप जिक्र भी है इसमें वो जो हैं जो हमारे वर्कर हैं जो उनके साथ बीडी वर्कर हैं और साहब उनके साथ वो रहते थे और वो उनसे कहते थे कि देखो मैं वहाँ जा सकता था मैं उस खुते में पैदा हुआ हूँ मेरा घर वहाँ है मेरे वालदेन वहाँ हैं मुझे कोई नफ़रत नहीं है हिंदुस्तान से या भारत से और वहाँ पर लेकिन मेरा काम यहाँ है मेरे जो जो जिनके साथ मैंने मजदूरों के साथ ज़िंदगी गुजारी है जिन मेहनत कशों के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी है वो कराची में है और इनके साथ ही मेरा जीना और मरना है तो मैं यहीं रहूँगा और मेरी खबरें मेरी और तुम्हारी ख़बरें भी यहीं बनेंगी और यही हुआ कि उन्होंने जो भी जद्दोजहद की और ख़ासे काम करते थे लोगों के साथ लेकिन अट्ठावन में जब माशा आता है और वो फिर बैन होने के बाद उन्होंने नेशनल अवामी पार्टी बनती है उसके वो सेक्रेटरी लेकिन एक अंडरग्राउंड पार्टी थी जिसके वो हिस्से थे जिसकी लीडरशिप बदल गई थी उनको उस पर भी इखतल... शायद अब मैं जो है ना वो सराई से काम कर रहा हूँ ले रहा हूँ थोड़ा सा वो उसमें उनको भी उससे इख्तलाफ होगा कि बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से आए थे जिनका हमें पता नहीं था कि उनकी माजी क्या है वो मतलब मुखबिर भी होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं और ये भी होता है कि मैं तो इतने दिनों से काम कर रहा हूँ ये परसों से आया है यू नो बहुत सारे मसाइल होते हैं तंजीमों में राइट तो लेकिन ये कि अठावन में जब मार्शल लगा उसमें उसके बाद जो है वो पकड़ धकड़ का जो माहौल था उसमें वो ख़ासा जो है वो आ, अप, एक तो उनको अंडरग्राउंड रहना पड़ा और मुसीबतें झेलनी पड़ी और मुख्तलिफ जगहों पर जाना लेकिन उनका काम जो है बदस्तूर चलता रहा जिन लोगों के साथ वो रबते में थे और फिर गिरफ़्तार हो गए और फिर तेरह नवम्बर की बात है शायद सन एकसठ की तेरह नवम्बर आई थिंक तो उसमें ये ख़बर आई कि और ये इस पर जो है वो मेजर इसाक़ हैं उस वक्त वो वकील थे वो पिंडी कॉन्सप्रेसी केस में भी थे बाद में उन्होंने वकालत की रिटायर्ड मेजर थे बाद में उन्होंने एम के पी मजदूर किसान पार्टी बनाई वो फैज़ साहब के पास आ, अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं आया और फिर लगा कि ऐसा हो रहा है कि वो वहाँ पर हसन नासिर जेल में उस पर बहुत तशद हो रहा है फिर खबर आई कि हसन नासिर ने जो है वो ने खुदकशी कर ली और वो से अपने को लेकिन फिर केस कॉर्पस का किया और इसमें महमूद अली कसूरी भी जो बड़े एमिनेंट लॉयर थे और सिविल राइट्स के बड़े बाद में उन्होंने पाकिस्तान के जो आइन है उसको बनाने में उनका एक बहुत पिविटल रोल है बहुत बड़े लॉयर थे एमिनेंट लॉयर थे जोरिस थे तो कसूरी साहब जो हैं वो इनके साथ थे क्योंकि साख साहब तो उस वक्त जूनियर लॉयर थे उन्होंने एक कॉर्पस का केस किया और फिर वो बुनियादी तौर पे इनकी वालदा भी आई और फिर वो उन्होंने जो है वो जो बॉडी है उसको दफना दी थी और तो इवेंचुअली वालदा आई एंड द बॉडी वाज एग्ज्यूम्ड और वालदा ने जो है वो बॉडी को उसकी अपनी डिटेरिएशन वगैरह भी थी लेकिन वालदा ने बॉडी को आइडेंटिफाई करने से इनकार कर दिया वो किसी और की थी लाश तो लेकिन जो तशद हुआ उसकी भी जो है मतलब उन पर जो तशद हुआ उसका तो हमें नहीं पता लेकिन उस वक्त भी और भी लोग उस लाहौर फोर्ट में थे जिन्होंने जिस जेल में या जिस जगह वो उनको रखा गया था वहाँ से बहुत ही किस्म की आवाज़ें भी आई और जिन लोगों को पहले लाहौर फोर्ट में रखा गया था उन्होंने भी अपनी एफ़िडेविट में लिखा कि उन पर किस कस्म के तशद किया जाएगा वो किया गया बहुत सी मतलब बातें हैं उसमें देखिए बहुत ही मतलब जो तशद का तरीका है हमारे यहाँ अब तो बहुत एडवांस भी हो गया होगा लोग एक दूसरे से सीखते हैं और उस वक्त भी था लेकिन आप ये एक बात बताऊँ वेरी सेंसिटिव थिंग एक साहब थे जिन पे जो लेबर लीडर थे उनका मैंने लिखा है उस किताब में पता नहीं इस, इस मकाले में है या नहीं तो उनका लाल खान शायद नाम था तो उन्होंने अपनी एफिडेविट में ये लिखा था कि रमज़ान के दिन थे और वो थे तो मज़दूर लीडर कॉम्युनिस्ट थे लेकिन रोज़ा भी रखते थे तो उनको ज़बरदस्ती जो है वो पानी पिलाया जाता था वो तो एक बात थी फिर उनको जो है वो यानी कि एक सेक्चुअल वायलेंस करवाया जाता था और और जो है जिसे हम कहते हैं जो यानी कि हमारे यहाँ कास्ट तो कहते नहीं है लेकिन जो लोग जिनसे हम दूर रहते हैं छूत छात के वाले से एक पर थे उनके ज़रिए गोकि वो ऐसी चीज़ों पे यकीन रखते हो ना रखते हो लेकिन तहारत और ये सब हमारे अंदर है ना एक मिडिल क्लास मसले होते हैं तो उनके जरिए उनको उनके ऊपर जिनसी तशद किया जाता था तो वो दो चीज़ थी एक तो वो ह्यूमिलिएशन और दूसरा टच ऑफ अ पर्सन हु इज़ एम्प्योर फॉर यू यू अंडरस्टेंड सो बहुत सारा नफसयाती कस्म से ये चीज़ें होती थी पता नहीं आपके जो सुनने वाले हैं उन चीज़ों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं डेट्स नॉट नेसरी बट आई एम जस्ट सेंग कि ये सारी चीज़ें होती हैं और तो हाँ हसन नासिर का जो एक अपना कलीदी करदार था पाकिस्तान की बाए बाजू की तारीख में और उनको जिस तरह से सियासी तशद से मारा गया उसके बाद वो एक पाकिस्तान के बाए बाजू के लिए एक शहीद के तौर पे उभरे जिनके बारे में लिखा जाता था इससे मुझे याद आया कि वो बहुत सारी इवन सत्तर की दिहाई में एक रिसाले निकलते थे एक अलफत निकालते थे इर्शाद राव उसमें जो है वो हमेशा नवंबर में जो है वो कवर पे उनकी तस्वीर होती थी लेकिन हमने एक पर्चा इसमें ये भी है जो कि दो तीन दोस्तों ने मिल के हैं और महविश हैं हाशिम हैं और अहमद सलीम साहब हैं, हैं। आ, इन्होंने अहमद सलीम साहब जो थे उनकी बहुत तन्फ़ थे रिसर्चर थे उन्होंने मेहनत कश की तारीख पर मुख्तल लोगों की किताब लिखी है अभी हाल में इंतकाल लेकिन एक जो उनका कमाल था कि उन्होंने बाएँ बाज़ू की बहुत सारी चीज़ें और कौमी जो तहरीकें थीं उनकी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली थी और एक तरह की आर्काइव थी उनकी जिस पर हम लोग सब ने इसफादा हासिल किया तो उस आर्काइव में जो है इन्होंने दस बएँ बाज़ू की या कौमी قومی, कौमी قومی तहरीक की आ, रिसालों के कवर का डाले हैं चाहे वह दहकान हो चाहे वह जबल हो चाहे वह अलफत हो और ये दिखाने के लिए जो आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में बाएँ बाज़ों की तहरीक जो थी वो न सिर्फ जो है ज़बानी कलामी काम करती थी बल तहरीरी काम करती थी और कुछ अंडरग्राउंड थे और ये भी और सबके बारे में एक एक पैराग्राफ है कोई दस हैं और उनके कवर्स एक एक कवर्स करके और जो के इनके पास थे और जो है ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि यह भी एक कंट्रीब्यूशन थी जिसके बारे में कुछ नहीं जानते और सबसे बड़ी बात यह कि ये रिसाले निकलते थे लोग पढ़ते थे सुर्ख, सुर्ख परचम कम्युनिस्ट पार्टी का निकलता था जबल निकलता था बलोच हवाले से देहकान निकलता था वो भी बें बाज़ों की तहरीक थी और लोग यह किस कौन एलस्ट्रेट करता था क्या था और इनको छपवाना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि ये डिक्लेयर नहीं होती थी इनकी जो है वो सरकारी इजाज़त नहीं होती थी अक्सर की कुछ की होती थी या सेंसर का हवाला था तो किस तरह से ये लोग छप पाते होंगे रात को किन जगहों पे जाके किस प्रिंटर ने ये बाजार पर रिस्क लेता होगा वो पब्लिक प्रिंटर जो कि इनकी चीज़ें उस जमाने में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी ऐसे नहीं थी बटर पेपर पे लिखना और वो फिर हाथ से एलस्ट्रेशन बनाना सुरख परचम जो है कम्युनिस्ट पार्टी का अंडरग्राउंड वो वो लोग हैं जो कि रात को ये चीज़ें उसके लोगो बनाना ये सारी चीज़ें दिस इज अ कलेक्टिव अंडरग्राउंड प्रोडक्शन और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होती थी और कुछ पैसों पे कुछ यू you नो know, दो रुपए छः रुपए दस रुपए इस तरह से चंदा इकट्ठा होता था तो ये पूरी एक आ, आ, एक कहानी है जो कि हम लोग के तौर पे कुछ सोचता भी नहीं है इस बारे में सर डॉक्टर तैमूर रहमान है वो आपकी तारीफ कर रहे हैं वो आपसे आपका रिश्ता भी पूछना चाह रहे हैं पाकिस्तान में कॉम्यूनिज से हाँ देखिए दोस्त आ, मेरा अपना रिश्ता जो था वो कोई बहुत ही फॉर्मल नहीं था लेकिन ये ज़रूर है कि मैं ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता था और बहुत करीब था उन लोगों से जो कि मुख्तलिफ़ बाजू की तहरीकों और तनजीमों के साथ जुड़े हुए थे तो अस्सी की दिहाई सत्तर की दिहाई के आखिर में मैं कॉलेज या स्कूल कॉलेज में था जहाँ पर कुछ ऐसे दोस्त थे जो कि एक मखसूस धड़े एक, एक मखसूस ग्रुप के साथ थे उनके साथ म, मैं खासा लेबर यूनियन के हवाले से या और चीज़ों से जल जलसे जुलूस में जाना कोई मैं तल, मतलब कोई मैं फ़ैसले कन मेरा नहीं था नौजवान था मेरी उम्र की पंद्रह सोलह सत्रह अठारह साल होगी फिर जब कॉलेज का दौर आया अठारह उन्नीस बीस साल में तो हमने मुख्तलिफ दोस्त थे जिन्होंने जो मेरा ख़्याल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान की जो उस वक्त शक्ल थी उसके नज़दीक थे ये मैं प्रोसोवियत लोगों की बात कर रहा हूँ और छिहत्तर में मेरा ख़्याल है मेरी अपनी राय है कि जब माओ का इंतकाल हुआ और चीन में चीज़ें होने लगें तो बहुत सारे और जो कल्चरल रेवोल्यूशन वगैरह इसके ऊपर जो है हमने नज़रसानी लोगों ने की तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि पहले अपने को माओस्ट ग्रुप्स के साथ क्योंकि पाकिस्तान में यह था ना कि बहुत सारे ग्रुप्स थे और हर शख्स अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी ही कहता था तो वो नज़दीक आ, आते रहे आ, एक ख़ास सोवियत यूनियन के जो ग्रुप थे उसके ज़म नहीं हुए लेकिन कुछ लोगों ने गुफ्तू शुरू की एक कोलेशन ख़ास तौर पर मार्शल लॉ के हवाले से सहाफ़ियों की तहरीक हुई उसमें कुछ लोग गए और उसमें तलबा भी गए उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारियाँ दी बहुत सारी चीज़ें हुई तो अस्सी की दिहाई में एक आ, कुछ दोस्तों ने रिसर्च फोरम करके एक आ, रिसाला निकाला था जिसमें कुछ आ, जो है ओरिजिनल पर्चे भी होते थे कुछ ट्रांसलेशंस वग़ैरह होती थी फिर एक एक थिएटर ग्रुप बना दस्तक उसमें हम शामिल थे उसमें हर तरह के लोग थे इट वाज अ ब्रॉड फ्रंट ऑफ पीपल प्रोग्रेसिव पीपल उसमें हम इस तरह के खेल जो ब्रेख्त के हवाले से या और भी ऐसे खेल जो कि बज़ाहिर यूरोपी यूरोपियन लिख लिखने वालों ने लिखा हो उनको तर्जुमा करके हम करते थे लेकिन उसकी एक तनकीद यानी कि वो एक खेल है जैसे गैलेियो है वो ऑब्सक्योरेंटिज़म के ख़िलाफ़ है लेकिन वो सोलहवीं या सतरवीं सदी के सतरवीं सदी के इटली में है लेकिन उसकी जो मैसेज है वो पाकिस्तान के उस दौर के की तनकीद भी है तो इस तरह के काम हमने किए उसमें जो भी होता था और ख़ास तौर पर ज़माने में जो भी हमारी शहरी हकूक़ की चीज़ें हैं तहरीकें हैं उसमें शामिल रहे लेकिन यह कि यह बात आपने इंटरेस्टिंग की क्योंकि ये हमने अपने इंट्रोडक्शन में भी लिखा है कि अक्सर ऐसी तारीखें तारीख जो है लिखते हैं वो लोग जो कि खुद उसमें शामिल होते हैं जिसमें मैं किसी हद तक मैं कोई बहुत उसमें नहीं लेकिन किसी हद तक मैं उन लोगों के करीब रहा कोई ऐसा मेरा सेंट्रल रोल नहीं था कि मैं कोई कर सका लेकिन यह कि हमायतियों में रहा मैं बिल्कुल इस बात का इकरार करता हूँ और और तो ये भी है कि जो मैंने आपसे बात की कि आपने पहले कहा था ना कि वो लोग जो ही लिखे हैं तो उसमें हाँ मैं कह सकता हूँ किसी हद हाँ तक इनके सारी के साथ कि हाँ आई थिंक क्योंकि हमारा पॉडकास्ट पूरे साउथ एशिया में सुना चाहता है जो लोग ब्रेक्स को पसंद करते हैं वो बादल सरकार को भी ज़रूर पढ़ें बंगाल में उन्होंने ब्रेक्स की टेक्निक्स हाँ। इस्तेमाल करके बहुत ज़बरदस्त खेल लिखे हुए uh, या आ, आ, उनकी जो है छत्तीसगढ़ ये

तो वो जो है मैं मेरा जो काम मेरा अपना जो पहला पीएचडी का काम था वो मैं सिर पर था और उसमें मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से काम किया तो मेरा वो जेंडर के हवाले से वो भी था

ज़ाहिर सी बात है तहरीकें जो औरतों की तहरीक है उसमें हम कॉलेज के ज़माने में भी चाहे वो शीमा के तहरी नसवा हो चाहे वो डब्ल्यू एफ़ का इजरा हो अस्सी के दिहाई में हम लोग जो हद तक हो सकते थे नौजवान मरद जो सिम्पथाइजर के हिसाब से जो तो वो फिर मैंने जो है ना जो पहला काम शुरू किया वो पल्प फिक्शन के हवाले से शुरू किया और वो कहानियाँ जो कि हमारे यहाँ फॉर्मल तरीक़े से नहीं पढ़ी जाती जो कि बेशतर ख़्वीन पढ़ती हैं अगर जो पढ़ी लिखी ख़्वीन है ख़वाी डाइजेस्ट पाकिज़ा और ये सारी चीज़ें उसमें किस किस्म से जो है ना वो औरतों के औरतों को डिपेक्ट किया जाता है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कि डिपेक् लेकिन आखिर में उसका रेजोलूशन बड़ा पारसा कस्म का होता था लेकिन बहुत सारी चीज़ें सेम सेक्स डिज़ायर भी था उसमें उसमें औरतों की आज़ादी के बहुत सारे तरीक़े से वो औरतें अपने को एक्सप्रेस करती थीं इन अ डोमेस्टिक इन्वामेंट आखिर में जो है वो ट्रांसग्रेशन की उनको क्या कहते हैं सज़ा मिलती थी लेकिन वो तो एक जानरा का मसला है कि वो खुल के नहीं लग सकती तो ये एक मेरा था और फिर वो जो जेंटर परफॉर्मेंस के हवाले से मैं शीमा और आसिफ़ ने भी तय किया था कॉन्फ्रेंस हुई थी 2010 में फिर वो जो एडिटेड वॉल्यूम था उसमें मैंने सारा शगुफ्ता पे लिखा था जो कि एक शायर थी और उनका एक अपना आ, एक एक मौकफ़ था या एक अपनी ज़िंदगी गुजारने का था जिन पर बहुत तनकीद इवन प्रोग्रेसिव मिडल क्लास लिबरल औरतें करती हैं कि वो तो बड़ी बेरारवी थी और उसको जो है वो मतलब मुख्तलिफ कस्म के तरीक़े से उनको पैथोलॉजाइज किया जाता है और मेरा ये रवैया था कि ये वर्किंग क्लास औरतें जब इस तरह के फ़ैसले करती हैं तो उनको क्रटिसाइज़ किया जाता है लेकिन जब मिडिल क्लास अपर क्लास औरतें इस तरह की फ़ैसले करती हैं तो वो सेक्चुअल फ्रीडम होता है <laughs> तो कनेक्टेड तो, हाँ. तो ही है सवाल व्हाई द मार्क्सिस इन पाकिस्तान हैज स्प्लिट इनटू मेनी इनसिग्निफिकेंट फैक्शन इनसिग्निफिकेंट तो थोड़ा रूड हो गया एंड कांट यूनाइट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म और कोई पूछ रहे हैं व्हाई कमोनिज्म लेफ्ट फेल्ड इन पाकिस्तान अब ये तो बहुत लेकिन इससे पहले मैं कह दूं कि आप वो उनका ये था ना कि अगर लेफ्ट औरतों नहीं औरतों के पॉलिटिक्स uh, आगे बढ़ी है और बहुत सारी चीज़ें चाहे वो वैफ का हो चाहे लेजस्लेटिवली हो या बहुत सारी चीज़ें मतलब जाहिर से लेकिन दोस्तों सबसे अहम बात है वो सियासी तौर पर नहीं है वो ये है कि हमने पिछले बीस पच्चीस साल में ये भी देखा चाहे वो उसकी इकतजादी वजह हो चाहे उसकी ए, समाजी या वती वजह हो चाहे वो उसकी इंटरनेट की वजह हो या वो नेटफ्लिक्स की वजह हो मुझे नहीं पता यानी लेकिन आप देखिए कि जिस तरह अब गाहे गाहे औरतें आपको मुख्तलिफ शोबों में नज़र आ रही हैं जो कि सिर्फ जो है डॉक्टर और और उस्तानी नहीं है या बैंकर नहीं है hmm. ना? हम, हम जब छोटे थे तो हमें जो है वो किसी दुकान में जाते थे तो हम ए, ए, और दे व नो फीमेल सर्वर्स राइट और दुकानों में नहीं थे होट बहुत सारी लड़कियां घर छोड़कर कर लेबर में थी होंगी दिस सेंस वो इनविजिबल होती है ना ये भी नहीं, कहानी नहीं, नहीं।, नहीं। लिखी ना कितनी औरतें साइट में नौकरी करती हैं श्रिंप इंडस्ट्री में नौकरी करती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम नौकरियां तो कर रही हैं या हमारे घरों में सफाई ना हो हमारे घर में चपाती ना बने अगर डोमेस्टिक सर्वेंट्स ना आए कहीं भी यहाँ क्या लाहौर क्या राइट तो देर इज अ सटन वे इन विच बट नाउ वी सी मोर एंड मोर वीमेर्स स्टिल वी डोंट सी एज मैनी और उनके अपने हकूक उनके अपने वर्क प्लेस मसले उनके जो है हरासमेंट के इशू उनके आमदनी के इशू ये सारी चीज़ें जो हैं अब सामने आ रही हैं और आप चाहे ना चाहें उन चीज़ों को आपको एड्रेस करना पड़ता है दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट हैश टैग मी टू राइट दिस इज मोर देन दैट दैट देयर प्रेजेंस इज अ स्ट्रगल ऑन इट्स ओन और इस चीज़ को लोग कैप्चर भी कर रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं कोई मुनज़म तंजीम भी है या नहीं है वो नहीं लेकिन आई थिंक जस्ट बाय जैसे कहना चाहिए ना इनक्रोचमेंट फ्रॉम बिलो हमारे एक दोस्त हैं आसिफ बयात वो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर देयर तो ये भी एक चीज़ है जिसको हमें सियासी तौर पर समझना पड़ेगा वही दवरी डे मंडेन द दर्डनरी जिसको हम लोग जो है रेकग्नाइज नहीं करते या उसको लिखते नहीं हम उसको ग्रांटेड लेते हैं बट वो चीज़ें हो रही है हमारे नज़दीक ब्यूटीफुल लेट्स विद दिस क्वेश्चन के लेफ्ट क्यों नहीं हो सका या अगर लोग समझते हैं फेल हो गया तो क्यों हुआ नहीं इसका मैं क्या जवाब दूँ इसलिए तो आप ऐसे सवाल कर रहे हैं जिसका जो है ना जो मेरे पास कोई बिग <laughs> बैंग कैसे हुआ नहीं हाँ वो आप आप मेरे मिजाज से वाकई हैं जी मैं कोई बहुत ही जो है ना प्रिस्क्रिप्टिव किस्म की बातें या ऐसी बातें कि मेरे पास जो है वो चीज़ों की जवाब है या कोई मैंने कोई यू नो कोई बस इस तरह हो जाए साथी तो फिर यूं हो जाएगा और दुनिया ठीक हो जाएगी ये लोगों की है रवैये होते हैं लेकिन मेरा जो है ना मेरा मिजाज ये नहीं है कि मैं हम बैठ के घंटों बात कर सकते हैं कि वाइड लेफ्ट यूनाइट एंड थिंग्स लाइक दैट और उसमें लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रोडक्टिव वे टू सॉट ऑफ थिंक अबाउट इट इस मैंने आपसे बात यही मैं कहना चाहूँगा कि हम ये जो हमारी काविश है ये ये एक इब्तदा है और हम चाहते हैं कि लोग इसको पढ़ें अगर ये किताब यहाँ मिले और इसके इसको पढ़ें इसकी तनकीद करें और इसके मुख्तलिफ पहलुओं को जो है वो एक के ऊपर नज़र षानी करना चाहें और चीज़ें लिखें और कहानियाँ लाएँ वो कहानियाँ जो कि आप जिसके तरफ इशारा कर रहे थे क्योंकि ये तो हमने अपने जो भी हमारी समझ में था जिन लोगों को हम जानते थे जो हम समझते थे कि इस इस मौजू पर काम कर रहे हैं कुछ लोगों को हमें हमने नहीं शामिल किया कुछ लोगों को शामिल किया लोगों को एतराज़ भी होगा कि भाई हमारा काम क्यों नहीं है वो मैं हम उसकी माजरत भी करते हैं लेकिन जो अपनी हमारी समझती उस हिसाब से किया बट आई थिंक वी वॉन्टेड टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन अ डायलॉग एंड टू रियली कैप्चर दोज लाइफ एंड दो स्टोरीज दैट हैव नॉट पार्ट ऑफ नेशनल हिस्ट्री दैट हैव एंड आई होप

पढ़े लिखे समझदार और उनसे सीखने का मुझे ही मौका मिला है और असद को मौका मिला है आपका बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी टेक केयर मुद्दा